तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज के एपिसोड 1 की। तो कहानी की शुरुआत एक रहस्यमय वायरस से होती है जो हर इंसान को खत्म कर देता है, पर फिलिप मिलर पृथ्वी पर एक अंतिम इंसान बचा हुआ व्यक्ति है। वह पिछले एक साल से अकेला रह रहा है और अधिक लोगों की तलाश के लिए अमेरिका घूम रहा है। वह हर एक राज्य में जाता है और खाली शहरों को मार्क करता है और संग्रहालयों से कलाकृतियां और महंगी पेंटिंग चुराता है। इंसानों को खोजने के असफल मिशन के बाद फिलिप अपने शहर टक्सन लौटने का फैसला करता है। फिर भी वह आखिरी प्रयास के रूप में वह हर बिलबोर्ड पर अलाइव इन टक्सन लिखता है। टक्सन में वह अपने लिए सबसे बड़ा घर चुनता है और उसे अपना नया घर घोषित करता है। और वह अगले कुछ दिन सभी प्रसिद्ध चित्रों, व्हाइट हाउस की एक चटाई, अपनी एक तस्वीर और अन्य वस्तु सजाने में बिताता है। लेकिन हर दिन सोने से पहले फिलिप हाथ की लकीरें घिसने के लिए भगवान से माफी मांगता है और चाहता है कि वह मृत्यु से पहले कम से कम एक लड़की से मिलवा दे। अगले दिन ऐसी ढेरों कारें हैं जिनका इस्तेमाल वह ड्राइव करने के लिए कर सकता है। वह अपने अंडरवियर में किराने की दुकान पर जाता है और बंदूक का उपयोग करके कांच फोड़ता है। केवल एक साल में वह इंसानी रवैये को पूरी तरह से भूल गया है क्योंकि उसे सबक सिखाने वाला कोई नहीं है। वह सब कुछ करता है जो वायरस से पहले सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता था, जैसे स्टोर में डिब्बे के ढेर को नष्ट करना और सैकड़ों एडल्ट फिल्मों को घर लाना। समय बिताने के लिए वह खुद के साथ रैकेट बॉल खेलता है, लैंप और एक्वेरियम का उपयोग बॉलिंग पिन के रूप में करता है और कारों को एक दूसरे से टकराता है। यह उसका पागलपन उसे अकेलेपन से निपटने में मदद करता है। लगभग एक महीने के बाद वह अपनी बुद्धि खोने लगता है। इसके अलावा उसके जन्मदिन पर अकेले रहना उसे वह सब कुछ याद दिलाता है जब जीवन सामान्य था। वह अपनी माँ, अपने जीवन और सामान्य रूप से लोगों को याद करता है, जबकि सीन कुछ महीने बाद कट जाता है। अब फिलिप जिस भव्य हवेली में रहता था वह अब कचरे के ढेर में बदल गई है, जिसे वह कभी साफ नहीं करता क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। वह कई दिनों से नहाया नहीं है और जानवरों की तरह रहने लगा है। घर में पानी की कमी है। फिलिप स्प्रिंगबोर्ड में एक छेद बनाता है और पूल को अपने शौचालय के रूप में उपयोग करता है। वह एक बच्चे की तरह छोटे पूल को शराब से भी भरता है और उसमें से पीते हुए उसमें नहाता है। फिर एक दिन वह बार में जाता है और बॉल पर चेहरे बनाता है, उन्हें नाम भी देता है। वह उनसे ऐसे बात करता है जैसे वे उसके असली दोस्त हों, बस यह महसूस करने के लिए कि वह अकेला नहीं है। रात में वह एक बॉल को कपड़े की दुकान पर लाता है और एक पुतले से बात करता है जैसे वह उसे पसंद करता है। और जब उसका हाथ टूट जाता है तो फिलिप अपना दिमाग खो देता है। फिर वह फैसला करता है कि वह अब और नहीं जीना चाहता और वह पहाड़ी पर जाता है। वह अपने सभी बॉल फ्रेंड्स को हमेशा के लिए याद रखने का वादा करते हुए उन्हें विदाई देता है। फिर वह अपनी कार को पूरी गति से चट्टान की ओर लाता है, लेकिन अचानक वह दूर से धुआं उठता हुआ देखता है और टकराने से पहले कार को रोक देता है। फिलिप को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है और वह तुरंत धुएं का पीछा करता है और वह तक पहुंचता है और उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखने के लिए वह पिछले एक साल से भीख मांग रहा था। किसी ने अपनी ब्रा को धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया है। फिलिप उसकी गंध लेता है और वह इतना हैरान हो जाता है कि वह बेहोश हो जाता है। जब वह उठता है तो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की उसे गोद में लिए हुए है। वह बहकावे में आकर उसकी इच्छा पूरी करने का वादा करती है और उसे चूम लेती है। फिलिप आनंद ले रहा है, पर वह उठता है और उसे पता चलता है कि वह सपना देख रहा था। उसके सामने वाली लड़की बदसूरत तो नहीं, पर उम्र में बड़ी होती है। वह उसे वापस लाने के लिए उसको CPR दे रही थी। हैरानी से वह एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जबकि लड़की का नाम कैरल है। फिलिप उससे पूछता है कि सुंदर लड़कियां कहाँ हैं। तब वह उसे बताती है कि उसे अपने गीले पैंट के बारे में देखना चाहिए। यह पता चलता है कि जब वह बेहोश था तो उसने खुद को तैरते हुए पाया और तब उसने पानी में पेशाब की। पर वह अब आक्रामक रूप से समझाने लगता है कि उसने खुद पेशाब नहीं किया, जिससे लड़की घबरा जाती है और डरकर वह एक बंदूक निकालती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। फिर फिलिप स्वीकार करता है कि उसने वास्तव में पेशाब किया था और वह इससे शर्मिंदा है। दोनों के शांत होने के बाद वह उसे बताती है उसने अलाइव इन टक्सन साइन देखा और यह देखने के लिए यहाँ आई कि क्या वास्तव में कोई जीवित है। हालांकि फिलिप एक महिला से मिलने के लिए मर रहा था, पर वह कैरल को देखने के बाद उत्साहित नहीं है। कुछ देर बात करने के बाद वे गाड़ी से किराने की दुकान पर जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में कैरल स्टॉप साइन पार करने की शिकायत करती है, जबकि फिलिप का मानना है अब तो ट्रैफिक नहीं है। वह इस बात पर अड़ी रहती है कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा, वरना वे एक जानवर की तरह रहने लगेंगे। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए वह रुक जाता है और दोनों तरफ को देखता है। यह बताता है कि कोई भी सड़क पार नहीं कर रहा है। जब वे किराने की दुकान पर आते हैं तो फिलिप पार्क में विकलांग लोगों की जगह पर गाड़ी लगाता है, तो कैरल उससे फिर से बहस करती है, पर फिलिप जोर देकर कहते हैं कि विकलांग लोगों के पास अपनी कार पार्क करने के लिए बहुत सारी जगह है। जब कैरल अभी भी उसे कहीं और पार्क करने का आग्रह करती है तो वो गाड़ी को स्टोर में घुसा देता है। उसके बाद वो घर आते हैं और कैरल उसके रहने के तरीके से नफरत करती है। उसके पास दो स्विमिंग पूल हैं, एक में उसका पॉटी और दूसरे में कचरा भरा है। तब कैरल ने उस पर पेंटिंग चुराने का भी आरोप लगाया, हालांकि उन्हें पता है कि वो अब किसी की नहीं है। घर के दौरे के अंत तक फिलिप उसे अपने टेंट में वापस जाने के लिए कहता है। अगली सुबह फिलिप कैरल को उसकी घर की सफाई करते हुए दिखती है। वह उसे दुकान से सफाई का सामान लेने के लिए उकसाती है क्योंकि उसे इंसानों की तरह जीना शुरू करना पड़ेगा। रात में फिलिप अपने बॉल फ्रेंड्स के पास जाता है और कैरल के बारे में शिकायत करता है। उसे ऐसा लगता है कि वे एक विवाहित जोड़े हैं जिन्हें तलाक लेने की सख्त जरूरत है। अगली सुबह वह रहने के लिए बगल के घर में आती है।
वह उसे दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कैरल जिद्दी है और एक जवाब के रूप में फिर फिलिप अपनी पैंट उतार देता है। वह सोचती है कि वे चुने हुए लोग हैं जिन्हें पृथ्वी को फिर से आबाद करने का कर्तव्य दिया गया है। फिलिप का कहना है कि वह उसके साथ नहीं सोएगा भले ही वह पृथ्वी पर आखिरी महिला हो। अगले सीन में जब कैरल उसके पास आती है तो वह अपने शौचालय में होता है। वह चाहती है कि वह उनके घर में पानी लाने का कोई रास्ता खोजे जिससे फिर वे टमाटर और अन्य फल उगा सकते हैं। जब वह मदद करने से इनकार करता है तो वह उसे ताजे टमाटर खाकर उकसाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जब अंधेरा हो जाता है तो वह उसके बगीचे में घुस जाता है और उसकी सारी सब्जियां खाता है। अगली सुबह कैरल उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और उसे टमाटर से भीगा हुआ पाती है, पर फिलिप अब भी दावा करता है कि उसने उन्हें चुराया नहीं है। और वह देखता है कि मैनहोल से अपने घर में पानी लाने की कोशिश करते समय कैरल के पैर में चोट लगी है। कुछ दिनों बाद वह एक सभ्य इंसान की तरह जीने की कोशिश करना छोड़ देती है। फिलिप उसे उसके स्विमिंग पूल में शौचालय की नकल करते हुए पाता है। कैरल सोचती है कि उन दोनों का जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, वे किसी भी तरह से एक संपूर्ण मानव निर्माण करने में सक्षम नहीं है, जबकि वे अपनी मिलियन डॉलर की हवेली में शौचालय की व्यवस्था भी नहीं कर सकते हैं। तब वह फिलिप को बहुत बुरा महसूस कराती है, इसलिए वह शहर की पानी की टंकी के पास जाता है और कैरल के बगीचे में पानी लाने का रास्ता बनाता है। वह अंत में उसे देखकर खुश होती है और उसे रात के खाने पर आमंत्रित करती है। रात में फिलिप लंबे समय के बाद अच्छे खाने का आनंद लेता है और फिलिप का कहना है कि वह अब उसके साथ सोने के लिए तैयार है। हालांकि कैरल शादी से पहले प्यार नहीं करना चाहती। शुरू में फिलिप हंसता है यह सोचकर कि वह एक मजाक है, लेकिन वह गंभीर हो जाती है। अंत में वे अगले दिन शादी करने का फैसला करते हैं। अगले सीन में वे चर्च में अपनी मन्नतें कह रहे हैं, लेकिन फिलिप को लगता है कि यह आवश्यक नहीं है। पर जब वे चर्च से बाहर निकलते हैं तो मेहमानों की भीड़ उनका स्वागत करती है। फिलिप को पता चलता है कि उसने गलती की है तो वह चिल्लाता है। फिर वह अपने बिस्तर पर उठता है और पता चला कि यह एक सपना था। यह सुनिश्चित करने के लिए खिड़की से बाहर देखता है जबकि दुनिया अभी भी मर चुकी है। इसके बाद आखिरकार शादी का दिन आता है। कैरल सजावट और केक तैयार करती है जबकि फिलिप को उनके लिए रिंग लाने का काम सौंपा जाता है। हालांकि रिंग लाने के बजाय वह अपने बॉल फ्रेंड्स के लिए एक बैचलरेट पार्टी रखता है। एक पार्किंग जगह में चीजों को आग लगा देता है। यहां तक कि वह पुतले को अलविदा कहने भी जाता है और उसे बताता है कि वह हमेशा उसके जीवन का प्यार बनी रहेगी। रात में वह चर्च जाता है जहां कैरल ने एक रिकॉर्डिंग तैयार की है जो उनकी शादी को अंजाम देगी। अंत में रिंग पहनने का समय आ गया है तो वह रिंग लाया ही नहीं था। तब उसे पता चलता है कि वह अकेली है जो प्रयास कर रही है और वह वहां से चली जाती है। बाद में फिलिप उसके घर आता है, उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती, इसलिए वह सामने के दरवाजे को हथौड़े से तोड़ता है और घर में आता है। उसे सरप्राइज करने के लिए उसने वास्तव में इसे सजाने का प्रयास किया है। उसने उनके लिए एक केक भी तैयार किया है। उसने जो किया उसके बारे में उसे बहुत बुरा लगता है और वह उससे माफी मांगता है। वह यह भी बताता है कि वह वास्तव में उसके पकाए खाने को पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसे खुशी है कि वह साथ में मौजूद है क्योंकि उसके बिना वह अभी जीवित नहीं होता। इतना कहने के बाद फिलिप उसे बाहर लाता है और वे एक गहने की दुकान पर जाते हैं जहां कैरल को अपनी पसंद की सभी रिंग मिलती हैं। वे अंत में शादी को अंजाम देते हैं। रात में दोनों प्यार करते हैं लेकिन कैरल रात भर बात करना बंद नहीं करती। अगली सुबह वह उसे अपने घर में रैकेट बॉल खेलते हुए पाती है। फिलिप को लगता है कि वह उसे फिर से सताने जा रही है, लेकिन वह उस खेल में शामिल होती है, जिसके बाद वे दिन का आनंद अग्निरोधक सूट बनाते हैं और एक दूसरे को आग लगाते हैं, बियर के डिब्बे पर बुलडोजर चलाते हैं और फिलिप की पूर्व प्रेमिका से मिलने जाते हैं। उसके पति पर ट्राई मारने के लिए कैरल उसे पीटने लगती है। पहली बार फिलिप खुश है कि उसने उससे शादी की और सोचता है कि उनका जीवन अब बेहतर हो सकता है। और जैसे ही वे घर वापस जा रहे थे तब उन्होंने अचानक एक जंक्शन पर एक लिमो को टक्कर मार दी। तब हैरान फिलिप देखता है कि एक खूबसूरत लड़की उसमें से निकल रही है, तो उसे अपनी शादी पर पछतावा होने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होती है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार द लास्ट मैन ऑफ अर्थ सीरीज के अगले एपिसोड के बारे में। फिलिप और कैरल के सड़क पर टकराने के बाद फिलिप देखता है कि एक खूबसूरत लड़की बाहर आती है और वो उनकी ओर दौड़ती है। किसी को चोट नहीं लगी यह सुनिश्चित करती है। और अब जब फिलिप कैरल से शादी करके खुश था तो वह उस खूबसूरत लड़की के साथ रहने के लिए उसे मन ही मन तलाक देने का इरादा रखता है। यह पता चला है कि उसका नाम मेलिसा है और उसने अलाइव इन टक्सन चिन्ह देखा था, लेकिन वह इधर उधर गाड़ी चला रही थी क्योंकि उस चिन्ह के साथ कोई पता नहीं लिखा था। फिलिप ने अपने इस बात पर अपना पता न लिखने का पछतावा जताता है। घर पहुंचने पर फिलिप मेलिसा को पटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कैरल उसे वो शौचालय पूल और फिलिप के जीवन में आने से पहले जिस कूड़े के घर में रहता था जैसी उसकी गंदी आदतों के बारे में वह बताने लगती है। फिलिप मेलिसा को अपने घर पर रहने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बताती है कि वह सड़क के उस बगल वाले घर में ठीक है। जब खुशी से कैरल और मेलिसा गले लगती है तो फिलिप भी कहां रहने वाला था, पर इस बात से मेलिसा को काफी अजीब लगता है। बाद में दोनों रसोई में बातचीत कर रही होती है।
तब फिलिप अपने नए लुक के साथ आता है और उसने मेलिसा के लिए ऐसा किया, लेकिन रात में वे एक साथ डिनर करते हैं और पूरे समय फिलिप मेलिसा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वह जो कुछ भी कहती है उससे वह सहमत होता है, यह दिखाने के लिए कि वे समान रुचियों को पसंद करते हैं। जब मेलिसा ने बताया कि उसके पति को उसने किसी और के साथ देखा इसलिए वो अलग हो गए थे, तब मिलर यह बताने की कोशिश करता है कि वह ऐसे लोगों से सख्त नफरत करता है। हालांकि जाते समय कैरल उसे रात में मानव जाति को बढ़ाने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन फिलिप यह समझा कर उसे भगा देता है कि उसकी हालत खराब है। उस रात बाद में मेलिसा फिलिप के कमरे में आती है और उसे शॉवर में आने के लिए कहती है। बेसब्री से उसका पीछा करता है, लेकिन कैरल को उसका इंतजार करते हुए पाता है और अचानक वह सपने से जाग उठता है। अगली सुबह मेलिसा ने उसका दरवाजा खटखटाया और पाया कि वो वर्कआउट कर रहा है, जबकि वह उसे दिखाने के लिए करता है कि वह एक फीट मस्कुलर आदमी है, लेकिन मेलिसा को ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वह उसे उसके घर के बाहर कार के बारे में पूछने आई है। यह पता चला है कि वह उसे उसके लिए लाया था क्योंकि उसे उसके लिमो में घुसने के बारे में बुरा लगा था, पर कैरल मेलिसा पर एहसान करने से खुश नहीं है, जब उसने उस दरवाजे को भी ठीक नहीं किया है जिसने उसे तोड़ दिया था। उस दिन बाद में वह इसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन साबित करता है कि वह एक खराब काम करने वाला इंसान है। मेलिसा उसे और कैरल को ड्रिंक्स के लिए बुलाती है, लेकिन फिलिप कैरल के बीमार होने के बारे में झूठ बोलता है और अकेला चला जाता है। जैसे ही मेलिसा नशे में हो जाती है, वह बताती है कि अगर वह शादीशुदा नहीं होता तो वह उसके साथ रहने वाली थी, लेकिन उसका जहाज बहुत पहले रवाना हो चुका था। फिलिप सदमे में है क्योंकि वे ऐसे शब्द हैं जिन्हें वह सुनना चाहता था। वह तुरंत कैरल के साथ अपने संबंध तोड़ने के लिए कैरल के पास जाता है, लेकिन पाता है कि वह उनका मैरिज फोटो बना रही है और वह उसे दरवाजा ठीक करने के लिए भी धन्यवाद देती है, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों ना हो। उसके बाद फिलिप तलाक के लिए पूछने के लिए खुद से उसका मन नहीं होता। अगले सीन में हम अलाइव इन टक्सन चिन्ह के सामने एक स्पोर्ट्स कार को रुकते हुए देखते हैं। एक आदमी कार से बाहर निकलता है, जिससे पता चलता है कि कोई और भी है जो अभी जिंदा है। वह आदमी जो दूसरे इंसान को खोजने के लिए बेचैन है टक्सन की तरफ बढ़ने लगा है। घर पर वापस फिलिप, कैरल और मेलिसा बातें कर रहे हैं और शराब पी रहे हैं। कैरल मेलिसा को उसके और फिलिप की शादी के बारे में सब कुछ बताती है, जबकि फिलिप यह नहीं चाहता कि मेलिसा को लगे कि वह कैरल से प्यार करता है। जब उसे अकेले उससे बात करने का मौका मिलता है तो वह कल का विषय लाता है। मेलिसा शर्मिंदा है कि उसने उसे अपनी यौन इच्छाओं के बारे में बताया और शराब पर इसका आरोप लगाया, पर फिलिप उसे बताता है कि उसे शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, लेकिन वह इस बात पर जोर देती है कि वह उसके जैसे विवाहित व्यक्ति के साथ कभी नहीं सोएगी। तब फिलिप का चेहरा गिर जाता है क्योंकि वह अपनी शादी के कारण फिर से उसके साथ रहने का मौका चूक जाता है। अगले दिन वह एक योजना के बारे में सोचता है और उसे अपने बॉय फ्रेंड्स को बताने लगता है कि यदि वो केवल कैरल को गर्भवती करता है तो उनके बच्चों को एक दूसरे के साथ पृथ्वी को फिर से भरना होगा, जबकि यह एक चुपंती है, लेकिन अगर उसके दो महिलाओं के साथ बच्चे हैं तो यह संभावना खत्म हो जाती है। अब केवल फिलिप को अपनी योजना कैरल और मेलिसा को बतानी है। अगले सीन में वो मेलिसा के घर जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो पृथ्वी और मानव जीवन के लिए कुछ बड़ा चाहती है। जब वह एक हाथ को चुनती है तो वह इसे एक इशारे के रूप में लेता है कि वह पृथ्वी की भलाई के लिए उसके साथ सोएगी। फिर वह कैरल के पास जाता है और किसी ऐसी बात के लिए रोने का नाटक करता है जिसके बारे में वह बहुत चिंतित है। जब वह उससे पूछती है कि यह क्या है, तो वह उसे अपने बच्चों के एक दूसरे के साथ फिर से बसने की संभावना के बारे में बताता है, पर कैरल ऐसा कुछ होने के विचार से नफरत करती है और फिलिप इस अवसर को उसके और मेलिसा के बच्चे होने के विचार पर बात करता है, लेकिन कैरल इसके सख्त खिलाफ है, लेकिन वह उसे इस पर उसे विचार करने के लिए कहता है। वो यह भी दिखावा करता है कि वह किसी अन्य लड़की के साथ रहना पसंद नहीं करेगा, लेकिन वह पृथ्वी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जब कैरल को फिलिप से पता चलता है कि मेलिसा ने उससे कहा है कि अगर वह शादीशुदा नहीं है तो वह उसके साथ सोएगी, तो वह गुस्से में फिलिप को घर से बाहर निकाल देती है। और बाद में मेलिसा फिलिप के पास आती है और उससे पूछती है कि उसने उसकी पत्नी से क्या बकवास की। वह भी उसका अपमान करती है और गुस्से में चली जाती है। जबकि अब 3 घंटे बाद महिलाओं ने उसे अंदर आने के लिए कहा और अब फिलिप को लगता है कि उसे जल्द ही दोनों की माफी मांगनी चाहिए, पर कैरल उसे मेलिसा के साथ रहने और वो सब करने की अनुमति देती है। शुरू में फिलिप ने माना कि वे एक चाल चल रहे हैं, लेकिन मेलिसा से भी पता चला कि वह उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तें हैं जिनका पालन करने की जरूरत होगी। साथ ही मेलिसा के गर्भवती होने के ठीक बाद यह गंदी बात सीजन 10 रुक जाएगी। फिलिप अब न चाहते हुए सहमत होने का दिखावा करता है, लेकिन रूम में जाता है और एक तकिए में खुशी के आंसू नाक से लाता है। अगले दिन वह दिन होता है जब वे आखिरकार एक साथ आने वाले हैं। फिलिप अच्छे कपड़े पहनता है, कैरल उसे शक्ति के लिए मूंगफली देती है और जितनी जल्दी हो सके घर वापस आने के लिए कहती है। कुछ समय बाद वह मेलिसा को रोमांटिक डेट पर बाहर लाता है। वह इसे खास बनाना चाहता है, जबकि मेलिसा सिर्फ काम पूरा करना चाहती है और उसे वापस उसकी पत्नी के पास भेजना चाहती है, जबकि फिलिप ने उसके लिए एक आतिशबाजी का प्रदर्शन भी बनाया है जिसे मीलों दूर से देखा जा सकता है। और स्पोर्ट्स कार का आदमी यह देखता है और रोशनी की तलाश में अपनी कार को घुमाता है। जब फिलिप और मेलिसा मिलने ही वाले होते हैं
तो उन्हें एक कार की आवाज सुनाई देती है। फिलिप सोचता है कि यह कैरल है, लेकिन जब वह आदमी कार से बाहर निकलता है तो दोनों हैरान रह जाते हैं और वह टॉड के रूप में अपना नाम बताता है। उसने सड़क पर फिलिप के चिन्ह को देखने से पहले वह मेक्सिको जाने की योजना बना रहा था, पर उससे फिलिप बिल्कुल भी खुश नहीं है और वह टॉड को दूर जाने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें कुछ काम है। लेकिन अब एक और आदमी यहाँ है तो मेलिसा उसे मिलने और कैरल को मिलवाने के लिए ले जाती है। अगले सीन में फिलिप घर लौटता है और कैरोल को बताता है कि क्या हुआ, पर अब वह काफी खुश है क्योंकि उसे उसके साथ नहीं सोना पड़ेगा। हालांकि फिलिप टॉड के शरीर के बारे में बताता है और जोर देकर कहता है कि मेलिसा उसके साथ नहीं रहेगी। बाद में वे बाहर इकट्ठा होते और हर कोई अपनी कहानी बताता है। बातों के दरमियान टॉड ने बताया कि उनकी पसंदीदा फिल्म शशांक रिडेम्पशन है, जो मेलिसा की पसंदीदा भी होती है। उनके बातचीत में बात करने के लिए फिलिप ने टॉम हैंक्स के बारे में भी कहा, जबकि वह बताते हैं वह तो फिल्म में भी नहीं है। टॉड ने सभी का ध्यान आकर्षित करते देखकर फिलिप अपने वजन के बारे में खुद का मजाक करता है, जबकि टॉड को अपने शरीर से कोई नाराजगी नहीं है। उसने सबको बताया कि जब वह छोटा था तब उसके माता पिता के निधन के बाद उसने अधिक खाना शुरू कर दिया था। उन्हें अपने पूरे जीवन में तंग किया गया है और अब एक ऐसे बिंदु पर आ गए हैं जहां हर कोई उनका मजाक बनाता है। थोड़ी देर बाद मेलिसा और टॉड दोनों रात को आराम करने के लिए निकल जाते हैं और अब कैरल फिलिप को बताती है कि उसने दोनों के बीच लगी चिंगारी को महसूस किया है। तब वह फिलिप को सताने के लिए यह भी बताती है कि वह उनको मिलाने की पूरी कोशिश करेगी। अगले दिन वह उन चारों के लिए एक डेट तय करती है। इस तरह टॉड और मेलिसा एक साथ दिन का आनंद ले सकते हैं। वह उन्हें अपने घर पर बुलाती है और उल्टी करने का नाटक करती है और वह फिलिप से घर के आसपास मदद करने के लिए उसके साथ रहने का भी आग्रह करती है, जिसके बाद मेलिसा और टॉड को खुद के लिए दिन मिलता है और वे गो कार्ट की सवारी करते हैं, साथ में खूब मस्ती करते हैं, पर फिलिप पूरे समय उन पर जासूसी करता है। उस दिन बाद में वह घर लौटता है जबकि वह बताती है कि मेलिसा और टॉड दूसरी डेट पर जा रहे हैं, पर फिलिप उन्हें फिर से एक साथ अकेले रहने का जोखिम नहीं उठा सकता है, इसलिए वह उनकी डेट को दोहरी डेट में बदल देता है और वे चारों टेनिस कोर्ट जाते हैं, जहां फिलिप अपनी टी शर्ट उतार देता है और टॉड को भी ऐसा ही करने के लिए कहता है। उसे उम्मीद है कि वह शर्मिंदा होगा, लेकिन टॉड बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी टी शर्ट उतरता है। तब अचानक मेलिसा उसके शरीर पर बात करती है। फिलिप खुश है कि उसे टॉड का शरीर पसंद नहीं है, लेकिन यह पता चला है कि वह उसके पेट के किनारे पर एक निशान देख रही है। तब टॉड ने बताया कि जब वह छोटा था तब उसने अपने भाई को अपनी किडनी दान कर दी थी। तब कैरल और मेलिसा उसके लिए बुरा महसूस करती हैं और उसकी बातें सुनने लगती हैं, पर फिलिप उनका ध्यान हटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वे टॉड की बात सुनना पसंद करते। यह पता चला है कि उसने किडनी दान किए पर भी वह ट्रांसप्लांट के बाद बच नहीं पाया और इस घटना के बारे में बात करने से टॉड का मूड खराब हो जाता है और वह रोते हुए चला जाता है। थोड़ी देर बाद कैरल और फिलिप उसकी तलाश में जाते हैं और उसे और मेलिसा को एक दूसरे को चूमते हुए पाते हैं। कैरल सोच रही है कि उसने ने टॉड को अपनी शर्ट उतारने के लिए कहा क्योंकि वह जानता था कि ट्रांसप्लांट की कहानी मेलिसा के साथ रिलेशन के लिए किक स्टार्ट करेगी। फिलिप जबकि कैरल के अनुमान की तारीफ करता है, लेकिन अंदर से दोनों को देखकर ईर्ष्या से जल रहा है। और यही पर यह एपिसोड रोक दिया है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज के अगले एपिसोड के बारे में। टॉड और मेलिसा को एक साथ देखने के बाद फिलिप हैरान है कि यह बैंगन पकौड़ा मेलिसा को कैसे पटा सकता है, जिसके बाद वह रात में मेलिसा के घर जाता है और उससे कहता है कि वह ऐसे ही कल के मिले लोगों पर कभी भरोसा न करें क्योंकि वे दिखने में भोले और अंदर से घिनौने और काफी चालक होते हैं। दोनों की बहस में मेलिसा उसके चेहरे पर उसे गधा कहती है और दरवाजा बंद करती है। बाद में फिलिप उससे क्षमा मांगता है, जिससे उसे बुरा लगता है और वह उसके लिए फिर से दरवाजा खोलती है। उसके बाद वे फिलिप के पसंदीदा बार में जाते हैं और उसके बॉल फ्रेंड से मिलते हैं। मेलिसा को पहली बार असली देखने को मिलता है क्योंकि वह मानता है कि शशांक रिडेम्पशन उसकी पसंदीदा फिल्म नहीं है। वह कहता है कि वह उनके साथ फिट होना चाहता था और सोचता था कि झूठ बोलना ही अच्छे दोस्त बनाने का एकमात्र तरीका है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, फिलिप को लगता है कि मेलिसा की उसमें दिलचस्पी हो सकती है। वह उसे बताता है कि वह उसे कितना पसंद करता है और उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। हालांकि शर्मिंदगी के कारण मेलिसा ने मना कर दिया क्योंकि वह एक शादीशुदा आदमी है और वैसे भी वह टॉड को डेट कर रही है। फिलिप यह कहकर जल्दी से बात को घुमाता है कि वह कैरल को यह अपनी दिल की बात बताने के लिए अपनी लाइन को दोहरा रहा था, पर मेलिसा जानती है कि यह झूठ है। इसके लिए वह उसे नहीं बुलाती क्योंकि इससे बात और बढ़ जाती। जबकि रात में मेलिसा फिर से फिलिप को बार में कुछ बताने के लिए लाई है और बातों ही बातों में वह फिलिप को चूम लेती है और इससे वह सदमे में है, जिसके बाद दोनों में काफी फाइट होती है और यह फाइट जल्द ही मेलिसा के बिस्तर पर दिखाई पड़ती है। वह एक गाना बजाती है ताकि उनके एक्शन सीन का शोर बाहर सुनाई न दे, पर अचानक फिलिप जागता है और महसूस करता है कि यह सब एक सपना था। अजीब तरह से वह जो गाना सपने में सुन रहा था वह मेलिसा के घर से अब भी बज रहा है, लेकिन उसे वह नजरअंदाज कर देता है और अपने सपनों की दुनिया में वापस जाता है। लेकिन इस बार टॉड उनके साथ बिस्तर पर फाइट को रोकने आ गया है और फिलिप चिल्लाकर उठता है। अगली सुबह वह उस पूल के पास बैठा है जिसे वह शौचालय के रूप में उपयोग करता है।
कैरल उसे या तो इसे साफ करने दी है, हालांकि फिलिप उसकी तीखी बातों की जरा भी परवाह नहीं करता। साथ ही वह आज हद से ज्यादा चिढ़ गया है क्योंकि कल रात उसे एक पल भी नींद नहीं आई थी। बाद में वो टॉड के पास जाता है और देखता है कि वो काफी अच्छे मूड में है। कल रात के धमाकेदार संगीत के बारे में पूछे जाने पर टॉड ने बताया कि वो और मेलिसा एक साथ थे। फिलिप उसे बार बार आग्रह करता है और उसे बुलवाता है कि उसने कल रात मेलिसा से प्यार किया था, जबकि अब फिलिप दर्द में हंसता है और दिखावा करता है कि जैसे कि इस खबर ने उसे चोट नहीं पहुंची है। टॉड उसे तब खास रात के बारे में सभी डिस्क्रिप्शन देता है, जबकि फिलिप दुख में सुनता है। तब वहां मेलिसा आती है जो टॉड को साथ में आने के लिए कहती है। फिलिप उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे इग्नोर कर देती है। जाने से पहले टॉड बताता है कि वे इसे फिर से करने वाले हैं और उसके पीछे पीछे जाता है, जिसके बाद एक लाचार फिलिप अपने घर जाता है और सबसे पहले शराब से भरे बच्चों के पूल में अपनी जान देना चाहता है। वह मेलिसा और टॉड के विचार को अपने सिर से बाहर रखने की कोशिश करता है, पर शायद ही ऐसा हो सके। अगली सुबह कैरोल उसे नाश्ते पर पूल साफ करने के लिए कहती है। वह बताता है कि वह इस पर काम कर रहा है, पर ऐसा करने का उसका कोई इरादा नहीं है। कैरल ने यह भी उसे बताया कि मेलिसा ने उसे बताया था कि वह अपने जीवन की सबसे अच्छी रात बीता रही है, और यह बात फिलिप को उकसाती है और वह उन पर आरोप लगाता है कि उनकी संगीत की वजह से वह रात में सो नहीं पाता। जवाब में कैरल उसे याद दिलाती है कि वह अमेरिका का राष्ट्रपति है, इसलिए उसके पास शोर रोकने का अधिकार है। और फिलिप की बत्ती जलती है और उस दिन बाद में वह पड़ोसी की मीटिंग बुलाता है। वह उन्हें एक शिकायत बोर्ड से मिलवाता है जहां वे चारों शिकायत कर सकते हैं, और वह इस पर लिखने वाला पहला अवसर लेता है। उसका सुझाव है कि टॉड और मेलिसा के लिए सेक्स कर्फ्यू और शोर एक्ट लागू करें। एक मासूम टॉड को समझ में नहीं आता कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेलिसा इस बात को पहचानती है। फिर वह इस बेवकूफ शासन से इनकार करती है और इसके बजाय वे मिलकर उसे उसका शौचालय पूल साफ करने के लिए वोट देते हैं। अगली सुबह फिलिप को पानी का सूट पहनना पड़ता है और अपने गंदे पूल के अंदर जाना पड़ता है। वो कुछ बाल्टी गंदगी उठाता है लेकिन वह पानी में गिर जाता है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वह काम छोड़ देता है। अब तक वह अपनी बदकिस्मती से इतना थक चुका है कि वह किनारे पर लेट गया और रोने लगा। तब वह पर मेलिसा आती है और उससे कुछ समय के लिए बात करना चाहती है। उसे बुरा लगता है कि टॉड के साथ जुड़कर उसने फिलिप को दुख दिया है, पर फिलिप फिर भी मुस्कुराता है। तब मेलिसा सभी शोर शराबे के लिए माफी मांगती है और उसे पुराना भूल जाने के लिए कहती है, जबकि अब कभी वे साथ नहीं रह सकते हैं। जाने से पहले फिलिप उससे आखिरी बार पूछता है कि अगर टॉड यहाँ नहीं होता तो क्या वो उसके साथ फाइट करती। तब मेलिसा ने जवाब देने से इनकार कर दिया क्योंकि टॉड उसका प्रेमी है। उसके जाने के बाद भी फिलिप लंबे समय तक उसके बारे में सोचता है और उसकी सोच टॉड के प्रति क्रोध और नफरत में बदल जाती है। आखिरकार वह उससे छुटकारा पाने के लिए इसे अपना मिशन बना लेता है। अगले सीन में वह टॉड का दरवाजा खटखटाता है और उसे कार की सवारी पर चलने के लिए कहता है। फिलिप का दावा है कि उसके पास एक अच्छी जगह है जहां वे घूमने जा सकते हैं। वे 2 घंटे तक रेगिस्तान में सफर करते हैं लेकिन उस जगह नहीं पहुंच पाते हैं। टॉड सवारी का आनंद ले रहा है और मेलिसा के साथ अपने जीवन के बारे में बात कर रहा है और बताता है कैसे वे फाइट करने में घंटों बिताते हैं, पर उसी वक्त वह उसे कार से बाहर फेंकने का सोच रहा है। जब वे रेगिस्तान में होते हैं तो फिलिप दिखावा करता है कि उसने टायर के फटने की आवाज सुनी। जैसे ही टॉड जांच करने के लिए निकलता है तब वह उसको छोड़कर भाग जाता है। कुछ समय बाद ड्राइव करने के बाद फिलिप अपने कार को रोक देता है और वो अपना मन फिर से बदलता है और अपना प्लान अंततः खत्म करने का फैसला करता है। टॉड कार के अंदर जाता है और उसे बताता है कि वह हमेशा जानता था कि वह वापस आएगा। वो फिलिप को उसके प्रति नफरत को नहीं पहचानता, जबकि वह अच्छे दोस्त हैं। और इसके अलावा वो आज के जीवन में जो कुछ भी है, मेलिसा जैसी प्रेमिका और उसकी परवाह करने वाले 2 दोस्तों के लिए वह फिलिप को धन्यवाद देता है। फिलिप उसकी इस बातों से भयानक महसूस करता है कि उसने टॉड जैसे इंसान को छोड़ने की कोशिश की। घर लौटने पर वो पूल को साफ करने को अब अपना मकसद बना लेता है और वो अपना काम चालू करता है और अंत में सब कुछ साफ करने के लिए घंटों तक काम करता है। उस दिन बाद में कैरोल बदबू से बचने के लिए अपनी नाक में टिश्यू पेपर डालकर आती है। फिलिप उसे अपने घंटों के काम का दिखावा करते हुए उन्हें उतारने के लिए मजबूर करता है। कैरल इतनी खुश है कि वह उसे गले लगाती है और कहती है कि उसे उसकी पत्नी होने पर गर्व है और पहली बार फिलिप को उन शब्दों को सुनकर अच्छा लगा। इसके अलावा उसने उसके लिए एक फिरता शौचालय भी ढूंढा है ताकि उसे हर दिन बाहर न जाना पड़े। रात में सब लोग आग के पास इकट्ठे हो जाते हैं और शराब पीते हैं। कैरल ने टॉड को उसका ड्रेसर ले जाने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। मेलिसा के लिए ब्रेसलेट बनाने के लिए भी उसकी तारीफ की जाती है। फिलिप किसी भी तरफ से उनके ध्यान का केंद्र नहीं बन सकता है, लेकिन टॉड कितना अच्छा व्यक्ति है इस बारे में लड़कियों से उसको सुनना पड़ता है। यह माहौल और खराब हो जाता है जब टॉड ने उनकी बनी हुई 4 मूर्ति निकालता है और इसके लिए मेलिसा उसे चूमने देती है। तब फिलिप ईर्ष्या से इसे तोड़ देता है और ऐसा दिखावा करता है जैसे उसने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन यह मूर्ति को फिर से जोड़ने का काम उसे ही सौंपा जाता है। जबकि अगली सुबह फिलिप कैरल के घर उसका DVR मांगने आता है, पर घर काम करते समय वह उसे सुझाव देती है कि वे एक साथ रहना शुरू करें ताकि वे एक दूसरे की चीजों का अधिक आसानी से उनका उपयोग कर सके। फिर वह उसे यह भी बताती है कि टॉड और मेलिसा भी कितने प्यार से एक साथ रहते हैं।
और एक फिलिप है जो उसकी सार्डी केयर नहीं करता, टाइम स्पेयर नहीं करता, पर फिलिप यह दावा करते हुए अकेले रहने की उसकी बात बनाता है कि वह अपने प्रेसिडेंट के पद से प्यार करता है और वैसे भी वह उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। तब क्रोधित कैरल उसे कम से कम उसका दरवाजा ठीक करने के लिए कहती है और अगर वह यह नहीं करता तो वह टॉड से मदद मांगेगी। नतीजन फिलिप दरवाजे की माप लेने का दिखावा करने लगता है और भाग जाता है। उसके बाद फिलिप अपने पसंदीदा बार में जाता है और अपने बॉयफ्रेंड से बात करता है। वो उनसे टॉड के बारे में शिकायत करता है और बताता है कि कैसे टॉड समाज में उसका स्थान चुरा रहा है। अब उसे उससे से बेहतर दिखने के लिए कुछ शानदार, दमदार, जानदार काम करना चाहिए और इसके बारे में उसे सोचना चाहिए, जैसे वो खुद को सोचने के लिए कह रहा है। एक असामान्य इशारा उसके सामने उसे दिखता है जिसे देख कर वह चौंक जाता है। और यही पर यह एपिसोड रोक दिया है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज के बारे में। तो जैसा कि फिलिप खुद को टॉड से बेहतर साबित करने के लिए सोच ही रहा है कि तभी उसके सामने एक जीवित गाय दिखती है जिसे देखकर उसे विश्वास नहीं होता। अगले सीन में फिलिप ने सभी को अपने घर के बाहर इकट्ठा किया है। वो दरवाजा खोलता है और सभी को गाय दिखाकर हैरान कर देता है। उन्होंने लगभग 3-4 साल या उससे अधिक समय में एक जानवर भी नहीं देखा है और यही कारण है कि वे उसके एहसानमंद हैं। जिसके बाद वह बड़ी बड़ी डिंगे हाँकने लगता है कि गाय को लाने में उसे कितनी दिक्कतें हुई। हालांकि जल्द ही वे एक बहस में पड़ गए हैं, जबकि फिलिप उसे अपने घर में रखना चाहता है, जबकि उसे गाय का दूध भी निकलना नहीं आता और अन्य भी इसे दूध और हर दूसरे डेयरी प्रोडक्ट के लिए रखना चाहते हैं। तब टॉड मदद की पेशकश करता है क्योंकि वह अपने चाचा के खेत में काम करता था और जानता था कि कैसे एक गाय का दूध निकाला जाता है और मक्खन भी। इस बात पे लड़कियां फिर से उस पर फिदा हो जाती हैं, जिससे फिलिप पागल हो जाता है। उनसे हमदर्दी हासिल करने के लिए वह यह दिखावा करता है कि उसे दूध से बने पदार्थ से एलर्जी है। फिलिप लैक्टोज से संबंधित बारे में भी झूठ बोलता है, जबकि वे कुछ समय के लिए उसके लिए बुरा महसूस करते हैं, लेकिन फिर से दूध निकालने के उत्साह से इसे फिर से बाहर ले जाते हैं। इसके अलावा केवल टॉड के घर के पास में ही घास है, इसलिए गाय को वह अपने घर पर ही रहने देने वाला है। वह आसानी से दूध निकालता है और सबको पिलाता है, जबकि वे ताजे दूध का आनंद लेते हैं। लेकिन लाचार फिलिप को अब देखना ही नसीब में है। जब अंधेरा हो जाता है तो फिलिप खुद दूध निकालने के लिए आता है, लेकिन जब टॉड और मेलिसा ऐसा करने के लिए आते हैं तो उसे छिपना पड़ता है। वह भी गाय का दूध निकालते हैं और यह देखकर वह उनसे जलने लगता है, जबकि यह गाय उसको मिली थी। उनके जाने के बाद वह उस गांठ को खोल देता है जो गाय को एक पेड़ से बंधी थी और उसे अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह लड़कियां लंबे समय के बाद दूध में ब्रेड और पालेजी बिस्किट खाने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन टॉड उनके पास आता है और यह बताता है कि गाय कहीं पर चली गई है। दूसरी तरफ फिलिप बार में अपनी गाय को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाता है और इस बार वो खोई हुई गाय को खोजने और दूसरी बार सभी का दिल जीतने का प्लान बना रहा है। घर लौटने पर वह गायब गाय के बारे में कुछ नहीं जानने का नाटक करता है, लेकिन मेलिसा को शक है कि इसके पीछे जरूर फिलिप का ही सस्ता दिमाग होगा और वह इसके बारे में उससे पूछती है कि क्या उसने उसे चुराया है। पर अब फिलिप टॉड को ही दोष देने लगता है, लेकिन डरता है कि उसका झूठ बाहर ना आ जाए। तब वह मैप को 4 हिस्सों में बांट देते हैं, जबकि शहर की जाँच करने और गाय को खोजने का फैसला करते हैं। मेलिसा को यकीन है कि इसके पीछे फिलिप ही है, इसलिए वह उस जगह को लेती है जिसमें उसका पसंदीदा बार होता है। जब वे सभी अपना रास्ता बनाते हैं तो फिलिप मेलिसा का पीछा करता है और मेलिसा आत्मविश्वास से बार के अंदर जाती है और गाय के बिना ही बाहर आती है। फिलिप उसके जाने के बाद अंदर जाता है और यह देखकर खुश होता है कि गाय पहले ही भाग चुकी है, लेकिन अब उसे सच में उसे खो करना होगा। पर गाय ने उसके दोस्त को भी कुचल दिया है। जैसे ही वह शहर की तरफ बढ़ने लगता है, टॉड उसके सामने गायब गाय के साथ भगवान की तरह प्रकट होता है, जिससे फिलिप गुस्से से अब लाल पीला हो जाता है, क्योंकि अब भी टॉड को फिर से क्रेडिट मिलेगा। हालांकि टॉड ने सुझाव दिया कि वह उसका क्रेडिट ले, क्योंकि टॉड को बुरा लगता है कि उसकी प्रेमिका ने फिलिप को दोषी ठहराया, जबकि उसकी गलती नहीं थी और वह इस बार उसका साथ देने के लिए तैयार है ताकि वह अपनी बेगुनाही साबित कर सके। हालांकि फिलिप दिखावा करता है कि वह किसी और के काम का श्रेय नहीं ले सकता है, लेकिन शाम तक वह इस बात पर डिंगे मारता है कि गाय को उसने कहां नहीं ढूंढा, कितनी मुश्किल का सामना किया, तब उसे किसी के लॉन में गाय मिली। रात में फिलिप एक चीख से जाग जाता है और उसे पता चलता है कि वह कैरल के घर से आ रही है, जबकि मेलिसा और टॉड भी उसके पास दौड़ते हैं और पता चला कि गाय किसी तरह घर अंदर और कैरल के कमरे में घुस गई है, जबकि वह अब नीचे नहीं जा सकती। तब फिलिप उस पर हंसता है, उसके दुख का मजाक उड़ाता है, लेकिन इस बात से अनजान है कि कैरल उसके पति फिलिप के कमरे में साथ में रात में आ रही है, जिससे फिलिप सदमे में है। यह पूछे जाने पर कि कमरे में गाय ऊपर कैसे आई, उसने कहा कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन एक फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि उसने इसे इसलिए लाया क्योंकि वो फिलिप के साथ रहना चाहती थी। रात में हम उन्हें एक दूसरे के बगल में सोते हुए देखते हैं, जबकि कैरल बहुत ही खुश है, लेकिन फिलिप अब भी सदमे में है। अगली सुबह फिलिप और कैरल आखिरकार एक साथ रह रहे हैं,
लेकिन कैरल की सांस लेने की मशीन और उसके फर्राटेदार खर्राटे के शोर के कारण फिलिप सो नहीं पाता है। सुबह उसे पता चलता है कि उसने पेंटिंग पर नन्हा पप्पी बनाया है, जिसे उसने बहुत पहले संग्रहालय से चुराया था। वो कहती है कि पेंटिंग में किसी कुत्ते की कमी थी, इसलिए उसने उसे नया जीवन दिया। इतना ही नहीं, उसने और एक बगल की तस्वीर में एक नन्ही बत्तख भी बनाई है। फिर फिलिप को पता चलता है कि उसने उसकी पढ़ने वाली एडल्ट मैगजीन को लेबल किया और उन्हें स्टोर रूम में रख दिया, जिसके बाद वह उससे कहता है कि वह उसकी चीजों को फिर कभी न छुए, क्योंकि भले ही वे एक ही घर में रह रहे हों, फिर भी वह उसका घर है। जबकि जवाब में कैरल कहती है कि यह अब दोनों का घर है। दोनों तब भी नहीं मानते जब कैरल उसे खरीदारी की लिस्ट बना देती है और फिलिप उसे महान ऋषि की तरह श्राप देकर बाहर चला जाता है। बाहर निकलते ही वह शिकायत बोर्ड पर अपनी परेशानी लिखने के लिए बाहर जाता है, पर देखता है बोर्ड उसके ही बारे में शिकायतों से भरा है। टॉड को मेलिसा के बाल कटवाते हुए देखकर उसका दिन अब खराब हो जाता है। गुस्सा और ईर्ष्या से भरा फिलिप शिकायत बोर्ड में स्त्री बाल कटवाने की प्रथा के बारे में शिकायत करता है। थोड़ी देर बाद वह किराने की दुकान के बाहर है और उसने वह सब कुछ खरीद लिया है जिसके लिए उसे कहा गया था, लेकिन वह उन्हें घर लाने के बजाय सामान में आग लगा देता है। वह भगवान से निराशा में एक काम के लिए पूछता है और जल्द ही इच्छा पूरी होती है। उसके सामने एक कार रुकती है और दो खूबसूरत लेडी बाहर कदम रखती हैं। अलाइव इन टक्सन बोर्ड देखने के बाद वह यहाँ आती है और वह पिछले दो वर्षों में पहली बार इंसान को देखकर काफी उत्साहित है, हालांकि वह भी उन्हें देखकर उनसे भी अधिक उत्साहित महसूस करता है। लेकिन यह पूछे जाने पर कि क्या वह और लोगों को जानता है, वह एकदम चुप हो जाता है। इस पर विचार करने के बाद वह कहता है कि टक्सन में वह अकेला आदमी है। वह दो खूबसूरत लेडी को अपने साथ में हासिल करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहता है। वे अपना नाम गेल और एरिका बताती हैं, जबकि गेल उन दोनों से काफी बड़ी है, पर इस बात की वह अब परवाह नहीं करता है, जबकि एरिका ऑस्ट्रेलियाई है, जो उसे और भी आकर्षक लगती है। जिसके बाद वह उन्हें अपनी दूसरी हवेली में लाता है और उनके मिलने का जश्न मनाते हुए सब एक साथ शराब पीते हैं। लड़कियों ने बताया कि इससे पहले वह दोनों व्हाइट हाउस में रह रही थी और तब से एक साथ हैं, और वह यह भी बताती है कि उन्हें भी किसी आदमी की सख्त जरूरत थी, और यह वह शब्द है जिसे सुनते ही फिलिप कंबल खींचने लगा। जबकि काफी दिनों के बाद फिलिप इस पल का इंतजार कर रहा था और आज वह अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रहा है, पर तब तक जब तक लड़कियां उसकी उंगली पर अंगूठी नहीं देखती और यह उसे कैरल की याद दिलाता है और वह कुछ समय के लिए घर जाने का फैसला करता है, जिसके बाद वह लड़कियों से वादा करता है कि वह रात के खाने के लिए वापस आएगा। घर पर वह कैरल को उसकी खरीदारी के साथ सब कुछ लाता है और झूठी मुस्कान के साथ उसके साथ बात करता है, लेकिन फिर भी कैरल उसे बहाने बनाने से रोकती है और पूछती है वह कहाँ था और बाद में कहाँ जाने वाला है। उसका कहना है कि वह रात को आराम करने के लिए कैंपिंग करने जा रहा है। कैरल ने नोटिस किया कि वह बहुत अच्छे मूड में है और कैरल भी उसे खुश देखकर आज उसे नहीं रोकती, जबकि उसकी खुशी में ही अब वह खुशी ढूंढ रही थी। जिसके बाद वह कैंपिंग के लिए बिना किसी रुकावट के निकल जाता है। बातचीत के बाद फिलिप अपने बार में जाता है और अच्छे कपड़े पहनता है। वह दोस्तों बात करते हुए गेल और एरिका के बारे में उनकी राय पूछता है और दिखावा करता है कि वे उसकी जय जयकार कर रहे हैं और खुद को भरोसा दिलाता है कि वह एक अच्छा निर्णय ले रहा है। इसके अलावा कैरल ने कहा कि जब वह खुश होता है तो वह खुश होती है, इसलिए वह उन दोनों के साथ सोने से खुद को खुश करने वाला है। अगले सीन में वह शराब की बोतल के साथ गेल और एरिका का के पास जाता है। डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में जाने से पहले वे एक दूसरे के बारे में जानकारी देती है, जबकि गेल एक शेफ हैं और उन्होंने यह कई प्रकार की रेसिपीज भी बनाई। इस बीच मेलिसा, टॉड और कैरल भी साथ में डिनर कर रहे हैं। जब टॉड फिलिप का विषय उठता है तो मेलिसा का मानना है कि वह उसे जरा सी भी पसंद नहीं करती है और सोचती है कि वह एक झूठा है। हालांकि टॉड फिलिप को समझ सकता है और वह सोचता है कि मेलिसा उस पर बहुत कठोर है और उसे जीवन में बेहतर करने का मौका मिलना चाहिए। जैसा कि टॉड यहाँ फिलिप पर दावा करता है कि वह कितना अच्छा आदमी है, और वहाँ पर लड़कियाँ फिलिप मुंह में शराब भर रही है और उससे खेल रही है, सब कुछ ठीक ही चल रहा होता जब तक कि फिलिप यह नहीं कहता कि वह अधेड़ उम्र की लड़कियाँ और ब्लैक लड़कियों के बारे में कुछ खास पसंद नहीं करता, जिससे लड़कियाँ नाराज हो जाती है और उससे बात करना बंद कर देती है। पर बात की गहराई को देखते हुए फिलिप जल्दी से माहौल ठीक करने की कोशिश करता है और यह कह देता है कि उसकी पत्नी कैरल मर चुकी है और वह आज भी उसका मातम मना रहा है और इसलिए वह अभी भी उसकी अंगूठी नहीं उतार पाया है। और इस बात से लड़कियां उसे समझने की कोशिश करती है और उसकी रुकी हुई ट्रेन फिर से चल पड़ती और वह कैरल की मौत के बारे में एक झूठी कहानी भी बताता है, जिससे लड़कियां मधुमक्खी की तरह उस पर भिन भिन अनाने लगती है। और फिलिप को बेहतर महसूस कराने के लिए उन्होंने प्लान बनाया कि वो गर्म पानी के झरने में डुबकी लगाने जा सकते हैं, और इस बात से फिलिप बच्चों की तरह खुश होकर भागने लगा है, क्योंकि वहां जानता है उसके साथ आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसको सिर्फ एल बल्लाजी के फिल्म में दिखाया जाता है। दूसरी ओर कैरल सोचती है कि उसे अपने पति के लिए कुछ खास करना चाहिए,
क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वह उसके साथ अच्छा रहा है। इससे भी टॉड सहमत हैं और फिलिप को सरप्राइज के लिए रूप में घर को गुब्बारों से भर दें, पर मेलिसा को नहीं लगता कि फिलिप इसके लायक है, लेकिन वह उनकी मदद करने का फैसला करती है और वे जल्द ही स्टो की तरफ निकल जाते हैं। जबकि उसी समय गंदी बात सीजन 10 के निर्माता फिलिप की टीम भी गर्म पानी के झरने की ओर जा रही, लेकिन फिलिप की नल्ली किस्मत कारण उनकी कारें एक दूसरे के सामने रुकती हैं। गेल और एरिका बाहर आते हैं, जबकि टॉड मेलिसा और कैरल का हैरान और खुशी से उनका स्वागत करते हैं, जबकि वे एक दूसरे को पाकर इतने खुश हैं कि वे फिलिप को कुछ मिनटों के लिए भूल जाते हैं। जबकि फिलिप यह सब सदमे में देखता है और उसे पता है उसके अब लगने वाले हैं। और यही पर यह एपिसोड रोक दिया है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और बार द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज के लास्ट दो एपिसोड्स के बारे में। जबकि टॉड मेलिसा और कैरल गेल और एरिका से मिलकर काफी खुश है, पर वो दोनों उन्हें किसको मिलाने के लिए भी लाई है, जिसके बाद गेल फिलिप को बाहर आने के लिए कहती है और कैरल देखती है कि यह कोई और नहीं बल्कि उसका प्यारा पति है। और अब फिलिप पर हर कोई गुस्से में है, जबकि गेल और एरिका उनसे छुपाने के लिए, टॉड का भरोसा तोड़ने के लिए और कैरल के साथ फिलिप ने जो कुछ भी किया है उसके लिए, फिर भी वह जोर देकर कहता है कि वह आज रात उनके साथ शरारत करने वाला था। वह खुश होने का दिखावा करता है, जबकि अभी भी वे उससे हैरान है। फिलिप यह दावा करते हुए कि यह सब उसका प्लान था और वह सब लोगों को मिलाकर चौंकाने वाला था, लेकिन फिलिप की बकवास पर फिर से कोई भी यकीन नहीं कर सकता। वह बार बार यह साबित करने की कोशिश करता है कि यह एक शरारत थी। उन्हें यह भी पता चलता है कि फिलिप ने कैरल की मौत के बारे में भी झूठ बोला था। फिलिप इससे बाहर निकलने के लिए वह बेतुकी कहानियां भी बनाना शुरू कर देता है, जैसे कि उसकी शादी वायरस से पहले कैरल नाम के किसी और लड़की से हुई थी, पर कैरल अंत में उसे चुप रहने के लिए कहती है और अब लोग उसे घिनौना कहते हैं और उसे वहीं पर छोड़कर घर चले जाते हैं। फिलिप ने कभी नहीं सोचा था कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी रात होगी। सुबह घर पहुंचने के लिए सारी रात उसे पैदल चलना पड़ता है। टॉड और मेलिसा उन नई लड़कियों के साथ अलग अलग चीजों के बारे में बातचीत करती है और वे फिलिप की बताई हुई बातें भी बताने लगती है। तभी फिलिप आता है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वे उसे बात नहीं करते हैं और वह वापस उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार गाय भी मानो उससे कहती है चला जा फिलिप। उसके बाद वह अपने घर जाता है और देखता है कि कैरल उसका इंतजार कर रही है। वह अजीब सी आवाजें निकालती है, जबकि फिलिप का मानना है उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर मरी हुई कैरल भूत होने का बताती है, जबकि भूत इस तरह से तो बात करते हैं, पर फिलिप अभी भी बताता है कि वो सिर्फ एक शरारत थी। अंत में कैरल उसे डोंकी का पिल्ला कहते हुए उसे घर से बाहर निकाल देती है। भले ही यह उसका घर है, पर फिलिप जानता है कि कल जो हुआ उसके बाद बहस करने का अधिकार उसने खो दिया है। निराशा में जाने से पहले वो अपने और कैरल के फोटो को देखता है और रात में वो अपने पसंदीदा बार में अपने बॉय फ्रेंड्स के साथ रहता है। उसे विश्वास है कि अगर वो पूरी रात घर नहीं लौटा तो वह लोग उसकी तलाश में आएंगे। वो पूल टेबल पर सोने लगता है और इसे एक आरामदायक जगह कहता है। जब पूरे दिन कोई नहीं आता है तो वह अपने दोस्तों के लिए शराब की बोतलों से खेलते हुए अपना मनोरंजन करता है। इस बीच गेल और एरिका कैरल के साथ बात करने की कोशिश करते हैं। वे उसे एक पेकान पाई लाते हैं और फिलिप पर विश्वास करने के लिए माफी मांगते हैं, भले ही यह उनकी गलती नहीं थी। लेकिन कैरल बताती हैं कि जिस लड़के से वे मिले थे उसके साथ संबंध बनाने वाले चरित्रहीन ही हो सकते हैं। लड़कियां अजीब बातचीत के बाद निकल जाती हैं और पाई को अपने साथ ले जाती हैं। उसके बाद मेलिसा और टॉड उसके साथ बात करने आते हैं। कैरल मुश्किल से उनकी तरफ देखती है और उनके सवालों के जवाब देती है। वह ईर्ष्या करती है कि उनके बीच एक अच्छा रिश्ता है, लेकिन वह बेफिक्र होने का दिखावा करती है यह साबित करने के लिए कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वह उन्हें किस भी करने को कहती है। बातों में दोनों को पता चलता है कि वे उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते, पर बताते हैं कि वह हमेशा उसके साथ है। दो दिनों तक बार में रहने के बाद फिलिप को अब यकीन हो गया है कि कोई उसे सही समझने के लिए नहीं आ रहा है। अगले सीन में वह कैरल के दरवाजे पर माइक नाम से फिलिप का जुड़वा भाई कहते हुए आता है, पर कैरल बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर लेती है। अगली सुबह फिलिप पबजी से गीली सूट चुरा कर एनिमी को उसके बारे में बात करते हुए सुनता है। वे इस बात पर चर्चा करते हैं कि वह एक झूठा आदमी है और उसने उसके और कैरल के रिश्ते को सिर्फ मजाक बना के रख दिया है। शुरू में फिलिप खुद को बताता है कि वह सिर्फ झांसा दे रहा है, लेकिन कुछ और सोचने पर वह पाता है कि वह वास्तव में एक झूठा इंसान है। एक नई सोच के साथ वह ग्रुप के बाकी सदस्यों में एक आखिरी बार जाता है, जबकि वे आग के चारों ओर बैठकर शराब पी रहे हैं। वह आते ही लोग उसको नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि फिलिप उनकी भावनाओं को समझता है और स्वीकार करता है कि उसने गेल और एरिका के साथ जो किया वह मजाक नहीं था। वह हर बार झूठ बोलने के लिए उनसे माफी मांगता है, खासकर कैरल के लिए जो हमेशा उसके लिए अच्छा चाहती है। वह अच्छा पति नहीं होने के लिए माफी मांगता है जबकि वह उसे चाहती है, और शादी के लिए वह भी उसने झूठ बोला था जब वह चर्च में थे। हर कोई पहली बार उसकी बात सुनता है, यह देखकर कि उसे वास्तव में बुरा लग रहा है। अगले सीन में फिलिप फिर से अपने बॉय फ्रेंड्स के साथ है और सब कुछ अपने सीने से बाहर लाने के बाद वह बहुत बेहतर महसूस करता है।
तभी वह पर फिलिप कैरल के आने से हैरान है। वह एक साथ में चटाई लाई है जो उसने पिछले 2 दिनों में बनाई है और खासकर उसके लिए थी। चटाई को देखते हुए वह बताती है कि उनका रिश्ता भी इसी तरह का है। वह सिलाई करती है जबकि फिलिप धागे को काटते रहता है। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ तो पीछे छूट ही जाता है। और अब वह उसे तलाक के कागजात सौंप देती है और दोनों का तलाक हो जाता है। किसी कारण से फिलिप को कागज पर साइन करते समय दुख होता है। उसके बाद वे दुख में प्यार करते हैं लेकिन खुद को रोकते भी हैं और अब दोस्त बने रहने का फैसला करते हैं। उसके बाद दोनों ग्रुप को अपने तलाक की घोषणा करते हैं। गेल और एरिका को पता चलता है कि उनकी शादी को केवल 3 हफ्ते ही हुए थे और वे फिलिप को फिर से एक सिंगल बंदे के रूप में देखना शुरू करते हैं। अगले दिन कैरल फिलिप के घर से बाहर चली गई है। जब वह अकेला होता है तो गेल आती है और उसे कुछ मदद करने के लिए लुभाती है और फिल की बत्ती जल जाती है। और जब कैरल अपना सामान लेने आती है तो दोनों कुछ करने ही वाले होते हैं और वह उन्हें जारी रखने के लिए कहती है, लेकिन दोनों घर में उसके आने से ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जाने से पहले गेल फिलिप को 3 बजे घर आने के लिए कहती है, जिससे फिलिप मिस्टर रोनन के 10,000 सब्सक्राइब होने से भी ज्यादा खुश है। इस बीच टॉड और मेलिसा का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। वह उसे दिल के आकार का पैनकेक बनाता है और उससे कहता है कि वह उससे प्यार करता है और मेलिसा थैंक्स में जवाब देती है। फिलिप का दिन और भी अच्छा हो जाता है जब वह एरिका से मिलता है। अब जब वह सिंगल हैं तो वह उसके साथ समय बिताना चाहती हैं और वह 5 बजे लंबी सैर पर जाने का फैसला करते हैं, जबकि उसका क्रिस गेल के साथ 3 बजे मैच का समय है। कुछ समय बाद फिलिप बाजार के लिए गाड़ी चला रहा है लेकिन सड़क के बीच में टॉड को देखकर रुक जाता है। वह फिलिप से कहता है कि उसने मेलिसा को आई लव यू कहा था और उसका जवाब एक साधारण थैंक यू था। फिलिप खुश है कि उसका दिन टॉड की तुलना में बेहतर चल रहा है, लेकिन उसने टॉड को यह भी बताया कि मेलिसा किसी दिन कहेगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्योंकि वह पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिससे वह नफरत नहीं करती है। जवाब में टॉड ने बताया कि वे टक्सन के साइन के कारण आए थे और हो सकता है कि भविष्य में और भी लोग उनके साथ जुड़ जाए। उसकी बातों का एहसास होने पर फिलिप का चेहरा गिर जाता है और यदि वे अधिक लोगों से जुड़ते हैं तो गेल और एरिका के पास चुनने के मौके होंगे और संभावना है कि वे उसे नहीं चुनेंगे। इसलिए वह अलाइव इन टक्सन बोर्ड को हटाने का प्लान बनाता है और उस बिलबोर्ड पर चढ़ता है जिसने यह सब शुरू किया था। वह स्प्रे पेंट से चिन्ह को काटता है और नीचे लिखता है, मैं टॉम्प में चला गया। इस तरह अगर किसी को बोर्ड देखता है तो वे टक्सन नहीं आएंगे। तभी अचानक सीढ़ी गिर जाती है और वह बिलबोर्ड में फंस जाता है। गेल के साथ अपनी पहली 2020 मैच को खेलने के लिए उसके पास जाने का अब कोई रास्ता नहीं है। यह इतना भी बुरा नहीं होता अगर एरिजोना की गर्मी ने उसे पूरी तरह से जला न दिया होता। टक्सन में वापस गेल फिलिप की उम्मीद में फिलिप के घर आती है। वह उसे चारों ओर ढूंढती है और उसके बेडरूम में पहुंच जाती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता है, जिसके बाद वह उसके बिस्तर पर सो जाती है। 2 घंटे बाद एरिका आती है और देखती है कि गेल सो रही है और उन्हें पता चला कि उसने उन्हें अलग अलग समय को बुलाया था। टॉड के घर में वह हमेशा की तरह मेलिसा के लिए बनाता है, लेकिन इस बार वे दिल के आकार के नहीं है। उसने नोटिस किया कि वह कल नाश्ते के बाद से उससे काफी दूर होता जा रहा है। वह सोचती है कि एक दूसरे से आई लव यू कहना किसी के रिश्ते में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और वह अभी तक यह तय नहीं कर सकती है। टॉड का दावा है कि वह समझता है और छिपाने की कोशिश करता है, जबकि वह अब परेशान है। इस बीच फिलिप गर्मी में जल रहा है, किसी तरह से उसके उपछाया खोजने की कोशिश कर रहा है। मैन वर्सेस वाइल्ड के एपिसोड को ध्यान में रखकर वह अपनी पैंट को बिलबोर्ड के किनारे पर लटका देता है और उसके नीचे लेट जाता है, लेकिन वह उड़ जाता है और उसे उसके अंडरवियर में ही रहना पड़ता है। बाद में वह अपने शरीर को छिपाने के लिए अपनी कमीज को फैलाना चाहता है। तब कैरल गेल और एरिका को ढूंढती है और उनसे पूछती है कि उनका मैच कैसा रहा। यह पता लगाने पर कि फिलिप तो मैच खेलने आया ही नहीं, कैरल अब मानती है अब फिलिप किसी मुसीबत में है, क्योंकि वह 2 लड़कियों के साथ सोने का मौका कभी नहीं छोड़ेगा। अगले सीन में फिलिप किसी के ट्रक के पीछे है और उसे एक अजनबी ने बचाया है जो उसे घर ले जा रहा है। जब अंधेरा हो जाता है तो कैरोल सभी को इकट्ठा करती है और चर्चा करती है कि वे फिलिप को कैसे वापस ला सकते हैं। इससे पहले कि वे कुछ करें, एक ट्रक उनके पास आता है और गंजा आदमी आता है जिसने फिलिप को बचाया है और यह पता चला कि उसका नाम भी फिलिप मिलर है और वह एक पूर्व सैनिक है। तब लड़कियां उस पर फिदा होने लगती हैं। इसके अलावा उसके पास ऐसी चीजें बनाने और चलाने का कौशल है जो ग्रुप के लिए मददगार साबित होंगी। तब टॉड तुरंत मेलिसा को गले लगाता है, यह देखकर कि वह नए लड़के से आकर्षित हो रही है। वह उसके बॉयफ्रेंड के रूप में अपना परिचय उसे देता है। जब वे बात करते हैं तो नया फिल्म के बोर्ड के बारे में बताता है। तब हर कोई यह पता लगाता है कि फिलिप ने ऐसा क्यों किया और वे सब उसके बारे में बातें बनाना शुरू करते हैं और बाद में रात को अपने अपने घर चले जाते हैं। टॉड मेलिसा से पूछता है कि क्या उसे नया फिलिप पसंद है और वह उसे बताती है कि वह उसके अलावा किसी और के साथ नहीं रहना चाहती
हालांकि टॉड को बेहतर महसूस कराने के लिए यह काफी है। दूसरी ओर फिलिप गेल के घर जाता है ताकि वह अपनी ड्रॉ हुई मैच को जारी रख सके, लेकिन गेल का कहना है कि उसे आराम करने को घर जाना चाहिए। वापस जाते समय फिलिप ने गेल, एरिका और नए फिलिप को एक साथ शराब पीते हुए देखा, जिससे वह जलने लगता है। बाद में अपने अधिकार को वापस पाने के लिए वह अगले दिन अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में एक कम्युनिटी मीटिंग बुलाता है। उसमें नया गंजा फिलिप सौर ऊर्जा का निर्माण करना चाहता है ताकि उनके पास फिर से बिजली हो सके। तब हर कोई उसकी सोच की तारीफ करता है और राष्ट्रपति इससे सदमे में है। फिलिप के लिए हालात और खराब हो जाते हैं जब गेल सुझाव देती हैं कि उन्हें दोनों फिलिप के मिडल नाम पता होने चाहिए, जिससे दिक्कत ना हो, जबकि गंजे फिलिप के पास कोई नाम नहीं है। इसलिए सभी ने फिलिप को टैंडी को अब से बुलाने पर वोट दिया। वह तब विरोध करता है और वे जेंगा कॉम्पिटिशन पर हारने वाले का नाम टैंडी रखना चाहते हैं, और इसमें बेशक नया फिलिप जीतता है और फिलिप का नाम टैंडी में बदल जाता है। टैंडी के लिए यह आज सबसे बुरा दिन रहा है, इसलिए उसने कैरल के साथ पीने का फैसला किया, लेकिन वह गंजे फिलिप के पास जाने के लिए पूरी तरह तैयार दिखती है। उसने उसका दरवाजा भी ठीक कर दिया है, जबकि टैंडी इतने हफ्तों तक नहीं कर सका। अगले दिन फिलिप को वह गाय दिखाई जाती है जो अभी भी कैरल के घर में फंसी हुई है। टॉड ने कहा कि एक गाय नीचे नहीं जा सकती है, लेकिन फिलिप उसे ऐसा समझने के लिए गलत साबित करता है। टॉड के शर्मिंदा होने पर उसकी फिर से तारीफ की जाती है। जल्द ही गेल, एरिका और कैरल फिलिप को पाने के लिए लड़ना शुरू कर देती हैं, और किसी कारण से वह कैरल को पसंद करता है। इससे टैंडी सबसे ज्यादा परेशान है। वह केवल अन्य लड़कियों को 2020 मैच के लिए चाहता था, लेकिन कैरल उसका असली सच्चा दोस्त है जो पहले दिन से यहाँ है। इसलिए फिलिप को कैरल के साथ रहने से रोकता है और वह इसके बजाय उसे अपने घर पर बुलाता है। जल्द ही फिलिप टैंडी के साथ रहता है। एक सुबह टैंडी उसे बिना शर्ट के देखता है और टैंडी सोचता है कि वह अपनी मसल को दिखाकर उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। फिर वह दोस्तों के पास जाता है और उन्हें मसल्स दिखाता है और बॉल फ्रेंड्स का मानो कहना है, तूने तो ऋतिक को भी मात दे दी। फिर वो फिलिप को दिखाने के लिए नंगा पुंगा किचन में चला जाता है और साबित करता है कि असली अल्फा कौन है। हालांकि तभी एरिका वहां आती है, जिससे उसका मजाक बन जाता है। उस दिन बाद में टॉड फिलिप को एक कचरे का ट्रक पड़ोस में लाते हुए देखता है, जबकि मेलिसा पीछे दिखाई देती है। वो मेलिसा से बात करने जाता है और उसे फिलिप से दूर रहने के लिए कहता है। वो सोचता है कि वो उसे रिजेक्ट करने वाली है, इसलिए वो उसे पहले ही छोड़ देता है, और अंदर से टूटी हुई मेलिसा दरवाजा बंद कर देती है। इस बीच लड़कियां फिलिप के लिए लड़ना जारी रखती हैं और कैरल अपने सिलाई के हुनर के कारण जीतती दिख रही है। रात में हर कोई शिकायत बोर्ड को देखते हुए अपनाता है कि फिलिप के आने से उनकी आधी समस्याओं का समाधान हो गया है, जबकि टैंडी फिलिप को कम करने की कोशिश करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह उसको अपनाना नहीं चाहता है। पर हर कोई नया राष्ट्रपति के लिए एक बार फिर वोट करने का निर्णय लेता है, जिसमें भारी वोटों से फिलिप जीतता है और उसे नेता घोषित किया जाता है। तब टैंडी ने कहा कि फिलिप ने एक ऐसा खेत बनाया है जहां वे फसलें उगा सकते हैं, और उसे अगले दिन खेत दिखाने के लिए कहा जाता है, और वो अपने झूठ को सच करने के लिए पूरी रात जुताई में लगा देता है। अगली सुबह टॉड ने उसे बताया कि कल रात फिलिप सभी लड़कियों के साथ सोया था। तब टैंडी कैरल से पूछता है कि क्या यह सच है, और पता चलता है कि टॉड झूठ बोला था, उन्होंने केवल उसका बात यूज किया क्योंकि उनके पास गर्म पानी था। बाद में टैंडी और फिलिप खेत में जाते हैं, जहां फिलिप उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसकी प्रशंसा करता है। हालांकि टैंडी रात में वह कैरल की अजीबोगरीब आवाजें सुनता है, जबकि कैरल और फिलिप पूरी रात प्यार करते हैं, पर उन्हें शायद खबर नहीं कि उनकी घपाघप से सब लोग एक पल भी नहीं सो पा रहे हैं। और अब इस बात से टैंडी गुस्से में है और वह टॉड के साथ कैंप फायर के पास हैं, और अब टैंडी का प्लान है कि वे गंजे फिलिप को मार डालेंगे। अगली सुबह फिलिप सौर पैनल लगा रहा है, जबकि टॉड और टैंडी उसकी जासूसी कर रहे हैं। पर अब तक टॉड का गुस्सा शांत हो गया है और वह सोचता है कि किसी को मारना एक बुरा विचार है, लेकिन टैंडी का कहना है कि यह एक आसान बात है, वे बस उसे रेगिस्तान के बीच में ले जा सकते हैं और उसे वहीं छोड़ सकते हैं। तब यह टॉड को उस समय की याद दिलाता है जब टैंडी ने उसे रेगिस्तान में ले गया था, और तब उसे पता चलता है कि वह उसे मारने की सच में कोशिश कर रहा था। जबकि अब टॉड टैंडी से निराश हो जाता है। फिर टैंडी कैरल से पूछने जाता है कि उसने उससे इसलिए शादी की कि उसने कहा था कि वह किसी से शादी किए बिना उसके साथ नहीं सोएगी। कैरल ने तब बताती है कि उसने केवल बच्चों के लिए टैंडी से शादी की थी, लेकिन फिलिप के साथ उसका रिश्ता एक इत्तेफाक है। टैंडी लगभग निराशा में चिल्लाता है, क्योंकि जब वे पहली बार मिले थे तो वह भी उससे यही चाहता था। पर अब कैरल बताती है कि वह उसे नहीं पा सकता है क्योंकि वह फिलिप के साथ रिश्ते में है। उस दिन बाद में फिलिप टैंडी के घर से बाहर चला जाता है, क्योंकि वह बताता है कि अब वास्तव में वह कैरल को पसंद करता है और टैंडी को उनके रिलेशन से दूर रहने को भी कहता है। जिसके बाद टैंडी अपने बॉल फ्रेंड्स को कैरल के बारे में बात करना शुरू करता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वह उसके साथ वापस रहना चाहता है, न कि केवल इसलिए कि वह फिलिप के साथ है, बल्कि इसलिए कि वह उसे समझ सकती है। इसलिए वो अलग अलग दुकानों से गहने इकट्ठा करता है और उसका दिल जीतने का प्रयास करता है, और जब फिलिप आता है तो वह कुछ कहे ही चला जाता है। रात में सभी लोग फिर से आग के आसपास इकट्ठा होते हैं। कैरल ने उत्साह से फिलिप के कामों को सबको बताया, जबकि सौर ऊर्जा से रोशनी जो वास्तव में काम करती है।
जबकि हर कोई इस बात से खुश है कि उनके घरों में जल्द ही बिजली पहुंच जाएगी। लेकिन एक गुस्से से भरा टैंडी लाइट्स फोड़ देता है और दिखावा करता है कि यह उसने नहीं किया। तब हर कोई उस पर गलती का आरोप लगाता है और टैंडी न होने के कई बहाने बनाता है। आखिरकार टॉड टैंडी पर फिलिप और उसे मारने की कोशिश करने का आरोप भी लगाता है, जबकि इस बात से हर कोई हैरान है क्योंकि उनके लिए भी टैंडी ऐसा कर सकता है। तब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फिलिप ने उसे टक्सन से दूर जाने और कभी वापस नहीं आने के लिए कहा। टैंडी हैरान है क्योंकि उसने ही इस जगह की शुरुआत की थी, और यह देखकर कि कोई भी उसकी तरफ से नहीं बोल रहा है, तब वह दुखी होता है और कहीं जाने से इनकार करते हुए खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। वह 3 दिनों तक कमरे में रहता है और टॉयलेट पेपर और टूथपेस्ट खाता है, जबकि कैरल उसके लिए चिंतित है और चाहती है कि फिलिप उसे माफ कर दे। लेकिन वह कहता है कि अगर टैंडी की मौत भी हो जाती है तो उसे खुशी होगी, जबकि यह बात कैरल को झंझोर देती है और वह रात में टैंडी के पास जाती है और उसे बाहर आने के लिए कहती है क्योंकि उन्होंने उसे माफ कर दिया है। थोड़ी देर बाद वह सहमत हो जाता है और उनके साथ जुड़ जाता है और हर कोई उसे देखकर खुश होता है, पर फिलिप जो उसे जमीन पर गिरा देता है। अगले सीन में टैंडी एक ट्रक के पीछे है, फिलिप उसे रेगिस्तान के बीच में ले जाता है और उसे 2 दिनों का खाना और पानी के साथ छोड़ देता है, और यह स्पष्ट होता है कि अगर उसे मदद नहीं मिली तो वह मर जाएगा। इस बीच मेलिसा यह सुनिश्चित करने के लिए टॉड के पास जाती है कि क्या वह ठीक है। टॉड का कहना है कि वह उससे प्यार करता है और उसे वापस प्यार नहीं करने के साथ भी ठीक है, पर अब मेलिसा उसकी परवाह करती है और वापस दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। कुछ घंटे होते ही टैंडी ने सारा खाना खा लिया है और पछतावा भी करने लगता है, और अब वो जमीन पर लेट गया है क्योंकि वह अब चल भी नहीं सकता। तब अचानक उसका एक सबसे अच्छा दोस्त उसकी ओर आता है, जबकि कैरल उसके लिए खाना लेकर आई है क्योंकि वह जानती थी कि 2 दिन का खाना उसके लिए काफी नहीं है। तब वह खुलासा करती है कि वह किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जो किसी को रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ सकता है, बल्कि वह उसके साथ रहेगी जो किसी को रेगिस्तान में छोड़ने तो जाता है पर अपनी दिल की सुनते हुए उसे घर भी लाता है। तब टैंडी खुश है, लेकिन वह उसे चेतावनी देता है कि वह गलती कर रही है, जबकि कैरल का कहना है कि वह जानती है। जिसके बाद दोनों पति पत्नी के रूप में शहर में वापस आते हैं, और इसे के साथ सीजन 1 खत्म होती है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक एंड #loveyouphilip। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द लास्ट मैन ऑफ अर्थ सीरीज के सीजन 2 एपिसोड 1 एंड 2 के बारे में। तो शुरुआत में ही हमें एक एस्ट्रोनॉट माइक मिलर को दिखाया गया है, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे टैंडी का बड़ा भाई है। दूसरी तरफ हम शहर के चारों ओर एक विशाल लड़ाकू विमान को आते हुए देख सकते हैं, जबकि वह एक सुपरमार्केट में एक शॉपिंग कार्ट को टकराते हुए रुकता है। बाद में कैरल सुपरमार्केट की तरफ बढ़ने लगती है और दरवाजे पर कांच को बंदूक से शूट करके शॉपिंग करने अंदर जाती है, जबकि विमान में हमारे फिलिप भैया उर्फ टैंडी को हम देख सकते हैं। अंदर टैंडी विमान के सभी बटन दबाने लगता है और कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, और जब कैरल स्टोर से बाहर आती है और बताती है कि उसने टकीला की एक बोतल भी लाई है। कैरल के अंदर आने के बाद वह चाहती थी कि टैंडी उसे विमान चलाने दे, और तब वह कैरल को बताता है कि इसे चलाना बहुत ही कठिन है, और खुद बटनों के साथ खिलवाड़ करते वक्त टैंडी गलती से एक मिसाइल को सड़क पर गिरा देता है और उसे रास्ते में ही वहीं छोड़ देता है। तब कैरल सुझाव देती है कि उन्हें वापस जाकर मिसाइल उठाना चाहिए, और वह यह कहकर जवाब देता है कि वह नहीं जानता है कि मिसाइल को विमान पर वापस कैसे लाना है। तब कैरल उसे याद दिलाती है कि वे अमेरिकी हैं, और अगर वे आदमी को चांद पर भेज सकते हैं तो वे गिरी हुई मिसाइल भी उठा सकते हैं। उसकी मोटिवेशनल लाइन सुनकर वह चकित होता है और कैरल की बातों से सहमत होते हुए दोनों एक दूसरे को चूमते हैं, और वहां से वे व्हाइट हाउस में आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टैंडी और कैरल शराब के पूल में नहाते हुए नमक चाटते हैं, और अपने पल का आनंद लेते हुए वे व्हाइट हाउस में मस्ती करना जारी रखते हैं, जबकि टैंडी अकेला ही हॉकी खेलता है और चीजों को अपोनेंट समझते हुए उन्हें बुरी तरह से तोड़ने लगता है। कई बार दोनों बेंजामिन फ्रैंकलिन की मूर्तियों के साथ खेलते हैं, और इतना ही नहीं, यह मजा तब भी जारी रहता है जब वो अपने सभी बॉल फ्रेंड्स के सामने राष्ट्रपति होकर भाषण भी देता है, दोस्तों के सवालों का जवाब देना जैसे कि वे सच में वो उससे पूछ रहे हैं। वह तब एक सवाल का जवाब देता है जो टक्सन में उसके साथ जो हुआ उसके बारे में उल्लेख करता है। हालांकि टैंडी का जवाब यह है कि टक्सन में उसकी पहले भी चलती थी और आज भी चलती है, और आगे भी कई सवाल फ्रेंड्स करते हैं जिनका जवाब वह हमेशा देता रहता है। दूसरी तरफ हम कैरल को देखते हैं जो अलग अलग ड्रेस पहनने की कोशिश कर रही है और खुद से ही बातें करते हुए खुद के साथ मजाक कर रही है। बाद में कैरल और टैंडी बातें करते हैं और दोनों प्यार करने लगते हैं। बाद में टैंडी कैरल के साथ अपने जीवन के बारे में बात करने लगता है कि उन्हें उनका सभी सामान व्हाइट हाउस में लाना चाहिए और इसे ही अपना नया घर बनाना चाहिए। हालांकि कैरल को व्हाइट हाउस में रहना सही नहीं लगता है। तब जल्द ही उनकी बातचीत खत्म हो जाती है और टैंडी न चाहते हुए भी सो जाता है, लेकिन कैरल अभी भी जाग रही है, उसके द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देख रही है। टक्सन में जो उस पल की यादों को दिखाती है, वह उसे और टैंडी को देखते हुए वह उन सभी की एक तस्वीर पर रुकती है और खुद को याद दिलाती है कि जब वे सभी एक साथ थे तो उनके पास कितना अच्छा समय था और वह उन्हें आज भी कितना याद करती है, जिसके बाद वह यादों को सीने से लेकर सो जाती है।
अगले सीन में माइक फिर से दिखाई पड़ता है जबकि वह अंतरिक्ष में अकेला है और महामारी के बाद मानवीय जीवन की तलाश में है, लेकिन दुर्भाग्य से वह किसी को नहीं ढूंढता है और उसके साथ बातचीत करने के लिए उसके नन्हे दोस्त टेरी और नैन्सी नाम वाले दो कीड़े हैं। इसलिए वह उन्हें बताता है कि वह हाथ की लकीरें घिसने जा रहा है और अगले सीन में टैंडी कैरल को आंखों में पट्टी बांधकर कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, जबकि टैंडी कैरल को उसके पुराने घर में ले जाकर उसे सरप्राइज करता है। एक बार जब वे वहां पहुंचे तो कैरल काफी खुश दिखाई देती है और वह उत्साह से टैंडी को अपना घर दिखाने के लगती है। वह उसे उन सभी कमरों में ले जाती है जब उसकी फैमिली थी। रात में कैरल और टैंडी बिस्तर पर लेटे होते हैं, तब वह उसे गाल पर चूमती है और उसे वहां लाने के लिए दिल से थैंक यू कहती है। जबकि दोनों की बातों में जब टक्सन में फिर से जाने की बात हुई तो उसका खुशी का पल खराब हो गया। वह उसे याद दिलाता है कि उन लोगों ने उसे रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया था, जबकि वो दोनों आज भी टक्सन गए तो वह मुझे मार देंगे, खासकर गंजा फिलिप। पर कैरल उसे समझाती है कि इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं और उन लोगों का गुस्सा भी अब तक ठंडा हो गया होगा, लेकिन फिर भी टैंडी फिर से टक्सन जाने के लिए मना करता। अगर वह वहां जाना चाहती है तो वह उसे ले जाएगा, लेकिन वह कभी भी वापस नहीं जाना चाहता। तब परेशान कैरल दूसरी बेडरूम में चली जाती है। दूसरी तरफ माइक अंतरिक्ष में अपने कीड़ों के साथ बातचीत करता है, पर जल्द ही उसे पता चलता है कि उसका एक कीड़ा मर गया है, जिससे वो दुखी होता है। दूसरी ओर फिल और कैरल टक्सन की तरफ निकलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि कैरल झपकी लेने जाती है। टैंडी कुछ समय बाद वह पास के एक गैस स्टेशन पर टैंक को भरने के लिए रुक जाता है, जबकि टैंडी दोस्तों से बातें करते हुए टैंक भरने लगता है। और उधर कैरल दुकान के अंदर आती है, वह एक शर्ट उठाती है और उसे सजाना चाहती है, लेकिन उसकी सजावट में काफी समय लगता है, इसलिए वह उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन टैंडी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती और वह टैंक को भरने के साथ वह बिना कैरल के चला जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह स्टो में है। कैरल जल्दी से बाहर आती है और हवा में शूटिंग शुरू कर देती है, लेकिन टैंडी को गोलियों की आवाज नहीं सुनाई देती है क्योंकि संगीत तेजी से बज रहा होता है और गाने के जैसे ही बंदूक की आवाज सुनाई देती है। रात में बाद में फिलिप रोड पर बड़े बड़े संकेत को देखते हुए फिलिप कैरल से पूछता है कि क्या वो कुछ खाना पसंद करेगी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता है, जिस कारण वह रुक जाता है और उसे देखने जाता है, लेकिन यह देखकर चौंक गया कि कैरल वहां नहीं है। इसलिए वह घबरा जाता है और उसकी तलाश करने के लिए गैस स्टेशन का नाम याद करना शुरू करता है, जबकि उसे सही नाम याद नहीं है, लेकिन वह निश्चित है कि इसका नाम स्पीडी पंप है। जिसके बाद वह उसे ढूंढते हुए रास्ते में उसे कई तरह के स्पीडी पंप दिखते हैं, जिससे वह अब पागल होने लगता है। 2 दिन बाद फिलिप उदास, पूरी तरह से थका हुआ और निराश हो गया है, क्योंकि वह सोचता है कि उसने हमेशा के लिए कैरोल खो दिया है। जिसके बाद वह अपने गंजे दोस्तों के साथ बातचीत करता है। दूसरी ओर माइक भी नैन्सी को एक आखिरी अलविदा कहता है और उसे बाहर छोड़ देता है। रात में फिलिप कैरल के बारे में सोच रहा है और अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, तब वह कैरल की ड्राइंग बुक के अंदर देखता है और उसे एक विचार आता है कि वह उसे कहां मिल सकती है। वह जितनी जल्दी हो सके टक्सन जाता है और पहले तो खुद में हिम्मत लाता है, क्योंकि उसे गंजे फिलिप और दूसरे लोगों से भी मिलना है। जिसके बाद वह गिल्ली सूट पहनकर अपने पुराने घर जाता है, पर वहां पर वह जाते ही उसे उसका घर जला हुआ मिलता है, जिसे देखकर उसे अजीब लगता है क्योंकि वहां पर अब कोई भी नहीं है। घर के अंदर जाने के बाद उसे अपने फैमिली की तस्वीर मिलती है, जिसके बाद रात में वो अकेला बैठा है और सोच रहा है। हमें कैरोल भी दिखाई देती है जो कि फिलिप की राह देख रही है, और अंतरिक्ष में माइक अकेला होता है जिसे मानव जीवन के कोई संकेत नहीं मिलते हैं। जबकि अब 2 दिन बीत चुके हैं और कैरल अपना सारा वक्त पिकनिक करने की तरह गुजार रही है। वह एक गुब्बारे के बॉय के साथ डांस करती है, तंबाकू और टूथपेस्ट से एक फिलिप तैयार करती है और रात के समय इशारे के लिए फ्लेयरगन चलाने लगती है। और दूसरी ओर फिलिप अपने बॉल फ्रेंड से उसको ढूंढने का प्लान बना रहा है, लेकिन उसका दोस्त भी उसे देखने के अलावा अब कुछ नहीं कर सकता। तभी जली हुई मैगजीन को देखते फिलिप की दिमाग की बत्ती जलती है और वह खूब सारे गुब्बारे फुलाता है और उस पर कैरल के लिए मैसेज लिखता, पर यह आइडिया कुछ खास काम नहीं करता। फिर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे उसके सस्ते दिमाग की बत्ती फिर से जलती है। जबकि दूसरी ओर कैरल अब फिलिप के कोई आने के संकेत न दिखने के कारण उसका हौसला अब टूटने लगता है और वह निराशा में वहीं पर लेट जाती है। लेकिन तभी वह एक आवाज को सुनती है और उसकी ओर दौड़ती है। वह देखती है कि फिलिप ने ट्रेन में एक मैसेज लिखा है कि वह अब टक्सन में है। वह अब इतनी खुश है कि वह अपने चेहरे की मुस्कान नहीं हटा सकती और वह झूम उठती है। इस बीच फिलिप टिचकुले कंपनी का रोडलोरल पर कैरल को मैसेज भेजने लगता है, लेकिन अपने एक फ्रेंड को खोया हुआ पाता है, जबकि वह रोड रोलर के नीचे चला जाता है, जिसे देख फिल अपने दोस्त पर दुखी होता है, जबकि वह अब खुद को दोष देने लगता है, कहते हुए कि वह अकेले रहने के ही लायक है। उसी समय वह एक कार को उसके पास आता देखता है, लेकिन वह कोई और नहीं है बल्कि कैरल खुद है। तब वह एक दूसरे के लिए दौड़ते हैं और खुशी से गले मिलते हैं। फिर से मिलने के बाद फिलिप कैरल को बताता है कि वह कभी भी उसे किसी तरह से अब खोने वाला नहीं है और अपनी शर्ट उतार देता है और सड़क के बीच में प्यार करते हैं।
क्योंकि कोई भी उन्हें नहीं देख रहा है। बाद में वे टक्सन में वापस जाते हैं और फिलिप के जले हुए घर में जाते हैं। कैरल मानना है कि उनके दोस्त उनके लिए एक लेटर को छोड़े बिना नहीं जा सकते। तब फिलिप उसे देखकर पता लगा सकता है कि वह उन्हें कितना देखना चाहती थी। तब वह बताती है कि वह दोनों जब स्पीडी पंप पर बिछड़ गए थे तो कैरल ने मान लिया था कि उसे लगा कि फिल ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन वह जवाब देता है कि वह अब एक बेहतर आदमी के रूप में बदल गया है। जिसके बाद चड्डी उतारकर फिलिप शैंपेन की बोतल खोलते समय उसे उनके ग्रुप द्वारा लिखा हुआ लेटर मिलता है, जिसमें मेलिसा ने लिखा है कि वह अब मालबू के लिए निकल गए हैं, जबकि कैरल का वह तहे दिल से हमेशा स्वागत करते हैं, लेकिन टैंडी को वह हरगिज वहां आने नहीं देने वाले हैं क्योंकि वह उसे नहीं चाहते हैं। तब अचानक कैरल के आने से वह डर जाता है, जबकि कैरल उसे अकेले नहीं पीने देने वाली है और वह एक बार फिर मिलने का सेलिब्रेशन मनाते हैं, जिस कारण फिलिप वह लेटर चुपके से अपने अंडरवियर में डाल देता है। रात में फिर से वह लेटर को पढ़ता है, जिसमें यह भी लिखा है कि टैंडी कभी भी नहीं बदलने वाला है, जिस कारण वह गुस्से में अब वह मालबू की तरफ निकल पड़ता है, जबकि वह गुस्से में कहता है कि मालबू भी अब उनके लिए सही नहीं है, जिसमें अब वह गंजे फिलिप को मारकर अपनी जगह फिर से हासिल करने वाला है। तभी गंजा फिलिप कार की ऊपर से आता है और उसका गला दबाकर उसे मालबू से दूर रहने के लिए कहता है। तभी फिलिप बौखलाते हुए सपने से जाग जाता है और अब यह सब वह कैरल को बताने वाला है, लेकिन मेलिसा बिस्तर से उठकर उसको गोलियों से भून देती है, जिसके बाद वह फिर जागता है और कैरल को बताता है कि उसे सपनों का डबल डोज मिला है। तब फिलिप उसे यह समझाने की कोशिश करने लगता है कि वो दोनों यहाँ पर काफी खुश हैं, जिसके बाद ना चाहते हुए भी कैरल उसकी बातों से सहमत हो जाती है, जिसके बाद फिलिप अपने बॉयफ्रेंड के पास जाता है और उन्हें कैरल से लेटर छुपाने के लिए पछतावा होते हुए बताता है कि अगर कैरल को सब कुछ बता दिया तो वो उसे वहां लेकर जाएगी। इसके बाद गंजा फिलिप उसे फिर से सताएगा और रेगिस्तान में छोड़ देगा। तभी इस बारे में सोचते हुए उसके दिमाग से एक सस्ता प्लान निकलता है, जबकि रात में वह आग के पास बैठे हैं, जिसमें टॉड और मेलिसा, गैल, एरिका और गंजा फिलिप भी है, जबकि वे सब मोम के बनाए हुए हैं और फिलिप उनसे बातें कर रहा है, जिसके बाद वह कैरल को उनसे बात करने के लिए कहता है और बातें करते वक्त कैरल भावुक हो जाती है और चली जाती है। बेडरूम में आने के बाद वह कैरल को लेटर के बारे में बताता है, जिसमें वह बताता है कि वह लोग अब मालबू में रहने गए हैं और वह लोग उसे वहां पर कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि कैरल उसे सब कुछ छुपाने के लिए डांटने लगती है और अब फिलिप को ना चाहते हुए भी कैरल की बात माननी पड़ती है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए फिलिप और कैरल दोनों टल्ली होने तक पीटे हैं, खासकर कैरल जो फिलिप के कहने से इनकार नहीं करती। रात का हैंगओवर उतरते समय कैरल देखती है कि वह लॉस एंजलिस की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस कारण वह तुरंत फिलिप से मिलने जाती है और उसे पता चलता है कि वह कैलिफोर्निया के बीच पर कुछ समय के लिए टाइम स्पेंड करेंगे, पर वहां पर जाने के बाद उन्हें विशाल मछलियां बाहर की ओर मरी हुई दिखाई पड़ती हैं, जिससे फिलिप निराश हो जाता है, जबकि वह कैरल को दुनिया की किसी भी जगह पर ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन कैरल सिर्फ अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर से रहना चाहती है और अब फिलिप को ना चाहते हुए भी मालबू में जाना पड़ता है, जिसके बाद दोनों जाते ही उनकी जासूसी करने के लिए गिल्ली सूट पहनकर ग्रुप को देखने लगते हैं, जबकि सब लोग गाना गाते हुए मस्ती कर रहे हैं, पर वह दोनों एक नए आदमी को देखते हुए हैरान है कि यह अब कौन है, और कैरल जल्दी से जाने का फैसला करती है और फिलिप को रिलैक्स रहने को कहती है, जबकि कैरल उससे वादा करती है कि वो सब संभाल लेगी। कैरल जैसे ही अचानक वहां पर प्रकट होती है, तब डरकर नया आदमी गॉर्डन, जिसे दिल दौरा पड़ने से वही गिर जाता है, जबकि सब लोग उसे जगाने की कोशिश करते हैं और फिलिप यह सब सदमे में देख रहा है। और इसी के साथ एपिसोड 1 और 2 खत्म होती है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार द लास्ट मैन ऑफ अर्थ सीरीज के सीजन 2 एपिसोड 3 और 4 के बारे में। जबकि पिछले एपिसोड में टैंडी और कैरल ने एक प्लान बनाया था, जबकि कैरल ग्रुप में जाएंगी और सभी को एकदम से चौंका देगी, लेकिन जैसी ही वह बूम करके अचानक आती है, तब गॉर्डन को दिल का दौरा पड़ता है, जिससे उसकी अचानक मौत हो जाती है, जिसके बाद अब सब लोग गॉर्डन के अंतिम संस्कार में इकट्ठा होते हैं और टैंडी यह सब दूर से देखना जारी रखता है, जिसके बाद फिलिप गॉर्डन के बारे में कुछ बातें कहता है, जिसमें वह उन सबको बताता है कि गॉर्डन का यह सफर उनके साथ यही खत्म होता है, लेकिन वह हमेशा के लिए उसे अपनी यादों में पाएंगे, जिसके बाद फिलिप टॉड को गॉर्डन के बारे में बताने के लिए कहता है, पर कैरल वहां पर कुछ कहना चाहती है, जबकि वह यह बताने की कोशिश करती है कि गॉर्डन को वह अच्छी तरह से नहीं जानती थी, लेकिन कैरल की बातचीत अचानक बदल जाती है, जबकि वह यह उनसे पूछने पर कि क्या उसका नाम जिसे गॉर्डन था, जबकि वह यह बताने लगती है कि वह इन हालातों से पहले जॉर्डन नाम के एक आदमी के करीब रहती थी, जो कि ड्रैकुला की तरह था। वह अंत में गॉर्डन को अपनी विदाई कहती है और उसे स्वर्ग या नरक में जाने के लिए बधाई देती है और उन सबको बताती है कि मौत एक अंतिम सत्य है, जबकि उन सभी को एक दिन जाना ही है। इससे पहले कि वो और कुछ कहे, फिलिप जल्दी से टॉड को कुछ गॉर्डन के लिए कहने के लिए कहता है। तब टॉड गॉर्डन के लिए एक गाना गाते हुए उसे सब लोग अंतिम विदाई देते हैं, जिससे गैल भावुक होकर रोने लगती है। अंत में कैरल टैंडी को सब सही होने का इशारा करती है, जबकि टैंडी इससे खुश नहीं है। थोड़ी देर बाद फिलिप अपने मनोरंजन के लिए गाड़ी के अंदर बेसबॉल खेल रहा है,
तब कैरल आती है जिससे वह उत्साह से वहां पर क्या हुआ इसके बारे में पूछता है, जिसके बाद कैरल बताती है कि गॉर्डन जबकि वह गैल का होने वाला हमसफर भी था वह नहीं रहा, पर टैंडी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह यह जानना चाहता है कि उन लोगों ने उसके बारे में क्या कहा। तब कैरल बताती है कि उसे तब बताने का मौका ही नहीं मिला, जिससे वह कुछ भी नहीं कह पाई, मतलब कि एक शब्द भी नहीं, जिससे वह चौंक जाता है पर यह भी दिखावा करने लगता है जिसे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हो। जिसके बाद कैरल फिर से एक बार उन लोगों के साथ चली जाती है, जिसके बाद मेलिसा उसे बताती है कि टक्सिन से निकलने के बाद वे सभी लोग मालबू में गॉर्डन के घर में ही रहने लगे, जिसके बाद मेलिसा उसे बताती है कि उसने कैरल को कितना याद किया। जबकि दोनों बातें करने लगती है तभी मेलिसा टैंडी के बारे में पूछने और उनसे दूर होने के बाद वे कहाँ थे और वहाँ पर क्या हुआ यह सब पूछने लगती है, लेकिन कैरल तभी जानबूझकर अपने कपड़ों पर चाय को गिराते हुए मेलिसा के सवालों से बचने की कोशिश करते हुए बाथरूम में अपने कपड़े साफ करने चली जाती है। जबकि कैरल के पास तब फिलिप आता है और आते ही उसकी तारीफ करता है और उसे बताता है कि पिछले वक्त के दौरान वह उसे पसंद करने लगा था, तब उस वक्त जो कुछ भी हुआ उसके लिए कैरल उसे दिल से माफी मांगती है। दोनों की बातें शुरू ही है कि वहाँ पर एरिका आती है और पूछना शुरू करती है कि यह क्या हो रहा है। फिल उसे बताता है कि वह सिर्फ कैरल का स्वागत कर रहा था, जिसके बाद एरिका भी उसका स्वागत करती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एरिका और फिल एक साथ हैं और एरिका इसे सिर्फ कैरल को दिखाना चाहती है। तब कैरल यह सब हंसते हुए देख रही है जबकि एरिका उसकी तरफ देखते हुए चली जाती है। जबकि सब लोग फिर से इकट्ठा होते हैं और गैल गॉर्डन की अच्छी बातों को बताने लगती है, जिसके बाद सब लोग गॉर्डन के नाम से पीने लगते हैं, जिसकी याद में टॉड अभी भी रो रहा है। तब मेलिसा यह भी बताती है कि अब उनमें फिर से कैरल शामिल हो गई है, जिससे थोड़ा माहौल हल्का होने लगता है। तब टॉड कैरल से यह जानना चाहता है कि क्या हुआ जब वे दोनों टक्सिन से चले गए थे। तब कैरल घबरा हुए बड़े ही दुख के साथ कहती है कि अब टैंडी नहीं रहा, जबकि वो उनसे टैंडी के लिए हमदर्दी हासिल करने के लिए अगली कहानी बताना शुरू करती है। शुरुआत में कैरल बताती है कि टैंडी और वह एक इमारत पर थे और तब अचानक कैरल वहां से फिसलने लगी। तब टैंडी ने उसे बचाया, लेकिन जब टैंडी फिसला तो वह उसको नहीं बचा पाई, जबकि वह स्लो मोशन के साथ नीचे गिरने लगा और गिरते समय वह चिल्लाता है कि उसे कोई पछतावा नहीं है, जिसके बाद वह नीचे कुछ इस तरह दिखता है और वह सबसे माफी चाहता है। टॉड तब भावुक हो जाता है, लेकिन टैंडी की वजह से नहीं बल्कि गॉर्डन की याद आने से। टैंडी की बनाई गई दर्द भरी कहानी सुनकर टॉड और मेलिसा कैरल को समुद्र तट पर टैंडी पर शोक मनाते हुए देखते हैं। तभी गुस्से में एरिका आती हैं और कहती हैं कि कैरल का खुले हाथों से स्वागत करना ठीक नहीं है। टॉड और मेलिसा ने यह कहते हुए उसे बताया कि टैंडी बुरा है न कि कैरल। तब टॉड और मेलिसा को छोड़कर एरिका गुस्से में चली जाती है, जबकि अब कैरल समुद्र तट पर टैंडी का नाम चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। तभी वहां पर फिलिप उसके पास जाता है और उसे कहता है कि वह अकेली नहीं है, जबकि वह उसका आगे ख्याल रखने का वादा करता है। फिर वो कहता है कि उसने एरिका के साथ अपना रिलेशन तोड़ दिया और जीवन भर कैरल के साथ रहना चाहता है। तब वह उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन कैरल उसे रोकने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि टैंडी अपनी नाक से एक टोपी में कैंडी की शूटिंग करके एक खेल खेल रहा है। तभी कैरल उससे मिलने आती है, वो टैंडी को घटनाओं के बारे में बताती है और एक प्लान बनाती है कि वहां उसे कैसे लाया जाए। तब वह उसे एक वॉकी टॉकी देती है, जबकि इसके बारे में वो चिंतित है लेकिन फिर भी सहमत होता है। दूसरी ओर गेल सभी को दिखा रही है कि गॉर्डन के जाने से पहले उसे क्या सीखने को मिला और वो पुतले को CPR देने लगती है, लेकिन एक बार फिर रोने लगती है क्योंकि पुतले को गॉर्डन के कपड़े पहनाए हुए हैं। तब कैरल आती है और गेल से उसके कारण हुए हादसे के लिए फिर से माफी मांगती है और अब वो टैंडी के बारे में बातचीत करती है। तब टैंडी यह सब चुपके से देख रहा है, पर वहां पर हर कोई आरोप लगाने लगता है कि टैंडी ने उनके साथ क्या किया और तब सभी लोग उसे बदनाम करने लगते हैं। फिर भी कैरल अंत में उन्हें सच बताती है कि टैंडी अब भी जीवित है। वो टैंडी को बाहर आने का इशारा करने की कोशिश करती है, लेकिन टैंडी ने सब सुना कि उन्होंने उसके बारे में क्या कहा और वह निराश होकर वहां से चला जाता है। रात में टैंडी अपने बॉल फ्रेंड्स के साथ बात करता है और जो हुआ है उस पर रोता है। घर में वापस कैरल सभी को बताती है कि वास्तव में क्या हुआ था और टैंडी अब कितना बदल गया है, जबकि वह उससे अब कितना प्यार करता है और उसने ही उसे उनके पास लाने पर जोर दिया क्योंकि वह जानता है कि वे सब लोग उसके लिए कितना मायने रखते हैं, जबकि सब लोग अब उसके बारे में सोचने लगते हैं। इस बीच टैंडी अभी भी अपने दोस्तों को बता रहा है कि वह बस उन्हें सॉरी कहना चाहता है, जिसके बाद उसे अब एक और प्लान आता है और वह सभी को वह सुनाना चाहता है जो उसे कहना है, जिसके बाद वह बंदूक लेकर अंदर भागता है, जबकि अब सभी लोग उसके आने से डरने लगते हैं और वह सभी को समझाता है कि वह केवल उनसे बात करने आया है। वह कमरे में सभी से उसने जो कुछ भी किया है उसके बाद वह दिल से माफी मांगने लगता है, जबकि वह फिलिप से सॉरी कहता है क्योंकि उसने उसे मारने का प्लान बनाया था और उसे थैंक्स भी कहता है क्योंकि उसके ही कारण से वह अच्छा आदमी बन गया है। जिसके बाद वह गैल, एरिका और खासकर मेलिसा से भी माफी चाहता है, जिसके बाद वह टॉड को बताता है कि उनकी यारी दोस्ती से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और उसने उसे काफी मिस किया, यह कहते हुए कि उसके पास उन्हें समझाने के लिए बंदूक दिखाने के अलावा और कोई चारा नहीं था।
तब सब लोग उसको माफ करते हैं, लेकिन उन्हें बंदूक की नोक पर रखने के लिए उसे पनिशमेंट भी मिलती है। तब उसे अकेले में लकड़ी के जाल में बंदी बना दिया और फिल ने उसे बताया कि जल्द ही वे उसे अगले सजा में बदल देंगे। सुबह टैंडी प्यास लगने के कारण किसी से पानी लाने के लिए कहता है और चिल्लाने लगता है। तब मेलिसा को एक ग्लास पानी के साथ बाहर आते देख कर वह बहुत खुश है। हालांकि मेलिसा ग्लास को टैंडी के हाथ में रखती है और चली जाती है, जिसके बाद फिलिप ग्लास को मुंह तक लाने की कोशिश करने लगता है और पानी पीने का तरीका खोजने की कोशिश में टैंडी गुस्से में ग्लास को फेंक देता है। इसके ठीक बाद फिलिप बाहर आता है और टैंडी उसे बंदी बनाने के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन फिलिप एक बंदूक निकाल लेता है और फिलिप टैंडी को मारने की धमकी देता है अगर वह फिर से उनके साथ पिछले की तरह उनको मारने की कोशिश करेगा, और यह टैंडी को डराने के लिए काफी था। लेकिन फिर तभी कैरल उन्हें यह पूछने आती है कि वे क्या कर रहे हैं। फिलिप तब इसे एक मजाक के रूप में बताता है कि वह दोनों मस्ती कर रहे हैं। कैरल फिर वापस अंदर चली जाती है और फिर टैंडी को दूसरी ओर गोली चलाकर फिर से डराने लगता है। अगले दिन कैरल टैंडी को पैंट पहनाने लगती है क्योंकि उसने अंदर ही पेशाब किया था। तब कैरल का मानना है कि यह अब कुछ टैंडी के लिए ज्यादा ही सख्त सजा हो रही है। हालांकि सब लोग यह कहते हुए कैरल को समझाते हैं कि उसने उनके साथ जो किया है उसके लिए इतना काफी नहीं है। तब कैरल ने कहा कि वे उसके साथ एक जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तब फिलिप सबकी बातों पर गौर करते हुए कहता है कि उसे अब 5 हफ्ते तक एक रूम में काटने होंगे। तब टैंडी अपनी बात उनको समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अंत में जान लेता है कि उनका भरोसा हासिल करने के लिए उसे एक बंद कमरे में ही रहना होगा। कैरल को यकीन नहीं है कि सब लोग फिलिप की बातों से सहमत है, पर फिलिप बताता है कि वो अगर सच में बदलना चाहता है तो वो इसे साबित भी करे। जबकि अब टैंडी को एक रूम में रखा गया है, तब कैरल उसे मिलने आती है। तब कैरल उसके बारे में परेशान हो रही है। तब टैंडी बताता है कि वह जब चाहे इस रूम से बाहर निकल सकता है, लेकिन वह और कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहता जिसकी वजह से उसे और भी सजा मिले। वह बताता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वह अपने दोस्तों के साथ आराम से रह सकती है। बाद में मेलिसा और टॉड के साथ बात करते हुए कैरल पनीर खा रही है और दूर से उन सब लोगों को टैंडी देख रहा है, जबकि मेज पर रखा गया खाना वह देखना तब भी जारी रखता है जब रात हो जाती है, जिसके बाद वह चुपके से दरवाजा खोलता है और दबे पाव मेज की ओर बढ़ने लगता है। जबकि सामने ही मेलिसा तब बुक पढ़ रही होती है, पर टैंडी पनीर पर टूट पड़ता है। पर उसे यह भी याद आता है कि क्या उन सब लोगों का भरोसा हासिल करना पनीर को निगल जाने से कई गुना बेहतर है, जिसके बाद वह पनीर को वैसे ही बनाने की कोशिश करने लगता है और चुपके से वापस जाने लगता है, लेकिन वस्तु की आवाज होने से मेलिसा उसे पकड़ लेती है। अगले दिन फिर से सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, सभी उसके किए गए कारनामे से निराश हैं, और अब टैंडी दूसरी सजा के साथ दिखाई देता है जिसमें उसकी गर्दन पर कॉलर बंधा हुआ है, और यदि वह एक तय की हुई जगह को छोड़ देता है तो उसकी गर्दन पर कॉलर उसे एक झटका देगा और उसे रोक देगा। जबकि टैंडी भी अपनी गलती को मानता है और इसके लिए वह परिणाम भुगतने को भी तैयार है। जबकि अब सब उसे वहां छोड़कर चले गए, पर कैरल वही है। तब उनके बीच एक छोटी सी बात होती है जहां वह उसे बताती है कि वह वास्तव में एक स्ट्रांग आदमी है। थोड़ी देर बाद एरिका आती है जबकि टैंडी उसे बात करने लगता है, पर वह उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। तभी गैल आती है और टैंडी उसकी खूबसूरती के बारे में बात करने लगता है, जबकि गैल आज भी कितनी कम उम्र की दिखाई देती है। वह दोनों की तारीफ करने लगता है और वह दोनों उसे मुंह बंद रखने के लिए कहती हैं। तभी वहां पर मेलिसा आती है और उसे एक न्यूज देती है कि उसकी पनिशमेंट और बढ़ गई है क्योंकि वह ज्यादा बात करता है। फिर एक बार टैंडी बाकी लोगों को इकट्ठा करता है और उनकी समस्या को नोटिस करने के बारे में बात करता है। जबकि वह बहुत ज्यादा बात कर रहा है तो वे एक उपाय भी लेकर आए हैं। यह अभी तक एक और कॉलर है जो आवाज को भांपती है, और वह बताते हैं कि हर बार जब वह बात करेगा तो कॉलर उसके नाक में एक दर्द करेगा, जबकि वह तेज झटके भी खाएगा, लेकिन उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वह ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद मेलिसा कुछ बियर लाती है जिसे देखकर वह काफी खुश होता है, लेकिन वह जानबूझकर उसे उसके जगह से बाहर रखती है ताकि टैंडी बाहर आए और कॉलर से लगातार सताया जाए, और ऐसा करने के लिए वह मेलिसा को थैंक्स देता है। बियर को देखते ही वह उसे पाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस तेज झटका लगता है। बाद में जब टैंडी बात नहीं कर सकता तो वह किसी को बुलाने के लिए पौधे के बर्तनों को फेंकना शुरू कर देता है ताकि वे उसे बियला सके। अंत में सब लोगों ने टूटे हुए बर्तनों को देखा और टैंडी पर वह गुस्सा हो गए, खासकर टॉड, लेकिन तब वह बात को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी इशारों की भाषा को समझ नहीं पाता है, और वे लोग अलग अलग फिल्मों के नामों को उसके इशारे के तौर पर बताने लगते हैं, जिससे टैंडी पागल होने लगता है। पर मेलिसा उसकी बात को समझती है और उनको बताती है कि वह इन कॉलर से परेशान हो गया है, जबकि उसे इसके बदले कोई और पनिशमेंट दी जाए। तब सब लोग इस बात से इनकार करने लगते हैं और फिलिप उसे डॉग हाउस में बंद कर देता है। बाद में रात में टैंडी देखता है कि घर में आग लगी है, तब वह मदद के लिए पुकारने की कोशिश करता है जिससे उसे भी तकलीफ होती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। तब वह जल्दी से डॉग हाउस से निकलकर मेज पर रखी बाल्टी को देखता है और तेज झटके खाते हुए और चिल्लाते हुए स्विमिंग पूल से पानी बाहर निकलता है, और तब तक पानी आग पर फेंकता है जब तक कि आग पूरी तरह से न बुझ जाए, जिसके बाद वह निराशा में अपने डॉग हाउस में वापस चला जाता है।
सुबह सब लोगों को घर पर जलने के निशान दिखाई देते हैं। तब हर कोई इसके बारे में न जानने की बात करने लगता है, लेकिन फिलिप को इस बात पर शक होता है कि आग किसने बुझाई। तब टैंडी को लाया जाता है। तब उन्हें पता चला कि टैंडी ने घर में लगी आग को देखा था, और कैरल उसकी बातों को समझाने की कोशिश करने लगी है। जबकि सब लोग सो रहे थे तब उसने उन्हें बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई नहीं आया। तो वह खुद ही बाहर आया और तेज झटके खाते हुए उसने पूल से पानी निकाल कर आग को बुझाया। पर टैंडी को लगता है कि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, जबकि हर कोई दया के साथ टैंडी को देखता है। और अब फिलिप टैंडी के गले से सारे कॉलर हटा देता है, जिस कारण टैंडी खुशी से झूम उठता है। जबकि सब लोग इस बात को मानते हुए चले जाते हैं कि वो अब सच में बदल चुका है। और टैंडी का कितने दिनों के बाद हंसता हुआ चेहरा देखकर हमारे सब्सक्राइबर भी आज काफी खुश है। और इसी के साथ यह दो एपिसोड खत्म होती है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार द लास्ट मैन ऑफ अर्थ सीरीज के सीजन 2 एपिसोड 3 और 4 के बारे में। जबकि पिछले एपिसोड में टैंडी और कैरल ने एक प्लान बनाया था, जबकि कैरल ग्रुप में जाएंगी और सभी को एकदम से चौंका देगी। लेकिन जैसी ही वह बूम करके अचानक आती है, तब गॉर्डन को दिल का दौरा पड़ता है, जिससे उसकी अचानक मौत हो जाती है। जिसके बाद अब सब लोग गॉर्डन के अंतिम संस्कार में इकट्ठा होते हैं और टैंडी यह सब दूर से देखना जारी रखता है। जिसके बाद फिलिप गॉर्डन के बारे में कुछ बातें कहता है, जिसमें वह उन सबको बताता है कि गॉर्डन का यह सफर उनके साथ यही खत्म होता है, लेकिन वह हमेशा के लिए उसे अपनी यादों में पाएंगे। जिसके बाद फिलिप टॉड को गॉर्डन के बारे में बताने के लिए कहता है, पर कैरल वहाँ पर कुछ कहना चाहती है, जबकि वह यह बताने की कोशिश करती है कि गॉर्डन को वह अच्छी तरह से नहीं जानती थी। लेकिन कैरल की बातचीत अचानक बदल जाती है, जबकि वह यह उनसे पूछने पर कि क्या उसका नाम जिसे गॉर्डन था, जबकि वह यह बताने लगती है कि वह इन हालातों से पहले जॉर्डन नाम के एक आदमी के करीब रहती थी, जो कि ड्रैकुला की तरह था। वह अंत में गॉर्डन को अपनी विदाई कहती है और उसे स्वर्ग या नरक में जाने के लिए बधाई देती है, और उन सबको बताती है कि मौत एक अंतिम सत्य है, जबकि उन सभी को एक दिन जाना ही है। इससे पहले कि वो और कुछ कहे, फिलिप जल्दी से टॉड को कुछ गॉर्डन के लिए कहने के लिए कहता है। तब टॉड गॉर्डन के लिए एक गाना गाते हुए उसे सब लोग अंतिम विदाई देते हैं, जिससे गैल भावुक होकर रोने लगती है। अंत में कैरल टैंडी को सब सही होने का इशारा करती है, जबकि टैंडी इससे खुश नहीं है। थोड़ी देर बाद फिलिप अपने मनोरंजन के लिए गाड़ी के अंदर बेसबॉल खेल रहा है, तब कैरल आती है, जिससे वो उत्साह से वहाँ पर क्या हुआ इसके बारे में पूछता है। जिसके बाद कैरल बताती है कि गॉर्डन, जबकि वह गैल का होने वाला हमसफर भी था, वह नहीं रहा। पर टैंडी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह यह जानना चाहता है कि उन लोगों ने उसके बारे में क्या कहा। तब कैरल बताती है कि उसे तब बताने का मौका ही नहीं मिला, जिससे वह कुछ भी नहीं कह पाई, मतलब कि एक शब्द भी नहीं, जिससे वह चौंक जाता है। पर यह भी दिखावा करने लगता है, जिसे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हो। जिसके बाद कैरल फिर से एक बार उन लोगों के साथ चली जाती है, जिसके बाद मेलिसा उसे बताती है कि टक्सिन से निकलने के बाद वे सभी लोग मालबू में गॉर्डन के घर में ही रहने लगे। जिसके बाद मेलिसा उसे बताती है कि उसने कैरल को कितना याद किया। जबकि दोनों बातें करने लगती है, तभी मेलिसा टैंडी के बारे में पूछने और उनसे दूर होने के बाद वे कहाँ थे और वहाँ पर क्या हुआ यह सब पूछने लगती है। लेकिन कैरल तभी जानबूझकर अपने कपड़ों पर चाय को गिराते हुए मेलिसा के सवालों से बचने की कोशिश करते हुए बाथरूम में अपने कपड़े साफ करने चली जाती है। जबकि कैरल के पास तब फिलिप आता है और आते ही उसकी तारीफ करता है और उसे बताता है कि पिछले वक्त के दौरान वह उसे पसंद करने लगा था। तब उस वक्त जो कुछ भी हुआ उसके लिए कैरल उसे दिल से माफी मांगती है। दोनों की बातें शुरू ही है कि वहाँ पर एरिका आती है और पूछना शुरू करती है कि यह क्या हो रहा है। फिल उसे बताता है कि वह सिर्फ कैरल का स्वागत कर रहा था, जिसके बाद एरिका भी उसका स्वागत करती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एरिका और फिल एक साथ हैं और एरिका इसे सिर्फ कैरल को दिखाना चाहती है। तब कैरल यह सब हंसते हुए देख रही है, जबकि एरिका उसकी तरफ देखते हुए चली जाती है। जबकि सब लोग फिर से इकट्ठा होते हैं और गैल गॉर्डन की अच्छी बातों को बताने लगती है, जिसके बाद सब लोग गॉर्डन के नाम से पीने लगते हैं, जिसकी याद में टॉड अभी भी रो रहा है। तब मेलिसा यह भी बताती है कि अब उनमें फिर से कैरल शामिल हो गई है, जिससे थोड़ा माहौल हल्का होने लगता है। तब टॉड कैरल से यह जानना चाहता है कि क्या हुआ जब वे दोनों टक्सिन से चले गए थे। तब कैरल घबरा हुए बड़े ही दुख के साथ कहती है कि अब टैंडी नहीं रहा, जबकि वो उनसे टैंडी के लिए हमदर्दी हासिल करने के लिए अगली कहानी बताना शुरू करती है। शुरुआत में कैरल बताती है कि टैंडी और वह एक इमारत पर थे और तब अचानक कैरल वहां से फिसलने लगी। तब टैंडी ने उसे बचाया, लेकिन जब टैंडी फिसला तो वह उसको नहीं बचा पाई, जबकि वह स्लो मोशन के साथ नीचे गिरने लगा और गिरते समय वह चिल्लाता है कि उसे कोई पछतावा नहीं है। जिसके बाद वह नीचे कुछ इस तरह दिखता है और वह सबसे माफी चाहता है। टॉड तब भावुक हो जाता है, लेकिन टैंडी की वजह से नहीं बल्कि गॉर्डन की याद आने से। टैंडी की बनाई गई दर्द भरी कहानी सुनकर टॉड और मेलिसा कैरल को समुद्र तट पर टैंडी पर शोक मनाते हुए देखते हैं। तभी गुस्से में एरिका आती हैं और कहती हैं कि कैरल का खुले हाथों से स्वागत करना ठीक नहीं है। टॉड और मेलिसा ने यह कहते हुए उसे बताया कि टैंडी बुरा है न कि कैरल।
तब टॉड और मेलिसा को छोड़कर एरिका गुस्से में चली जाती है। जबकि अब कैरल समुद्र तट पर टैंडी का नाम चिल्लाने लगती है और रोने लगती है, तभी वहां पर फिलिप उसके पास जाता है और उसे कहता है कि वह अकेली नहीं है, जबकि वह उसका आगे ख्याल रखने का वादा करता है। फिर वो कहता है कि उसने एरिका के साथ अपना रिलेशन तोड़ दिया और जीवन भर कैरल के साथ रहना चाहता है। तब वह उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन कैरल उसे रोकने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि टैंडी अपनी नाक से एक टोपी में कैंडी की शूटिंग करके एक खेल खेल रहा है। तभी कैरल उससे मिलने आती है। वो टैंडी को घटनाओं के बारे में बताती है और एक प्लान बनाती है कि वहां उसे कैसे लाया जाए। तब वह उसे एक वॉकी टॉकी देती है, जबकि इसके बारे में वो चिंतित है लेकिन फिर भी सहमत होता है। दूसरी ओर गेल सभी को दिखा रही है कि गॉर्डन के जाने से पहले उसे क्या सीखने को मिला, और वो पुतले को CPR देने लगती है, लेकिन एक बार फिर रोने लगती है क्योंकि पुतले को गॉर्डन के कपड़े पहनाए हुए हैं। तब कैरल आती है और गेल से उसके कारण हुए हादसे के लिए फिर से माफी मांगती है, और अब वो टैंडी के बारे में बातचीत करती है। तब टैंडी यह सब चुपके से देख रहा है, पर वहां पर हर कोई आरोप लगाने लगता है कि टैंडी ने उनके साथ क्या किया, और तब सभी लोग उसे बदनाम करने लगते हैं। फिर भी कैरल अंत में उन्हें सच बताती है कि टैंडी अब भी जीवित है। वो टैंडी को बाहर आने का इशारा करने की कोशिश करती है, लेकिन टैंडी ने सब सुना कि उन्होंने उसके बारे में क्या कहा, और वह निराश होकर वहां से चला जाता है। रात में टैंडी अपने बॉल फ्रेंड्स के साथ बात करता है और जो हुआ है उस पर रोता है। घर में वापस कैरोल सभी को बताती है कि वास्तव में क्या हुआ था और टैंडी अब कितना बदल गया है, जबकि वह उससे अब कितना प्यार करता है, और उसने ही उसे उनके पास लाने पर जोर दिया क्योंकि वह जानता है कि वे सब लोग उसके लिए कितना मायने रखते हैं, जबकि सब लोग अब उसके बारे में सोचने लगते हैं। इस बीच टैंडी अभी भी अपने दोस्तों को बता रहा है कि वह बस उन्हें सॉरी कहना चाहता है, जिसके बाद उसे अब एक और प्लान आता है और वह सभी को वह सुनाना चाहता है जो उसे कहना है, जिसके बाद वह बंदूक लेकर अंदर भागता है। जबकि अब सभी लोग उसके आने से डरने लगते हैं और वह सभी को समझाता है कि वह केवल उनसे बात करने आया है। वह कमरे में सभी से उसने जो कुछ भी किया है उसके बाद वह दिल से माफी मांगने लगता है, जबकि वह फिलिप से सॉरी कहता है क्योंकि उसने उसे मारने का प्लान बनाया था, और उसे थैंक्स भी कहता है क्योंकि उसके ही कारण से वह अच्छा आदमी बन गया है। जिसके बाद वह गेल, एरिका और खासकर मेलिसा से भी माफी चाहता है, जिसके बाद वह टॉड को बताता है कि उनकी यारी दोस्ती से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और उसने उसे काफी मिस किया, यह कहते हुए कि उसके पास उन्हें समझाने के लिए बंदूक दिखाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तब सब लोग उसको माफ करते हैं, लेकिन उन्हें बंदूक की नोक पर रखने के लिए उसे पनिशमेंट भी मिलती है। तब उसे अकेले में लकड़ी के जाल में बंदी बना दिया और फिल ने उसे बताया कि जल्द ही वे उसे अगले सजा में बदल देंगे। सुबह टैंडी प्यास लगने के कारण किसी से पानी लाने के लिए कहता है और चिल्लाने लगता है। तब मेलिसा को एक ग्लास पानी के साथ बाहर आते देखकर वह बहुत खुश है। हालांकि मेलिसा ग्लास को टैंडी के हाथ में रखती है और चली जाती है, जिसके बाद फिलिप ग्लास को मुंह तक लाने की कोशिश करने लगता है और पानी पीने का तरीका खोजने की कोशिश में टैंडी गुस्से में ग्लास को फेंक देता है। इसके ठीक बाद फिलिप बाहर आता है और टैंडी उसे बंदी बनाने के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन फिलिप एक बंदूक निकाल लेता है और फिलिप टैंडी को मारने की धमकी देता है अगर वह फिर से उनके साथ पिछले की तरह उनको मारने की कोशिश करेगा, और यह टैंडी को डराने के लिए काफी था। लेकिन फिर तभी कैरल उन्हें यह पूछने आती है कि वे क्या कर रहे हैं। फिलिप तब इसे एक मजाक के रूप में बताता है कि वह दोनों मस्ती कर रहे हैं। कैरल फिर वापस अंदर चली जाती है और फिर टैंडी को दूसरी ओर गोली चलाकर फिर से डराने लगता है। अगले दिन कैरल टैंडी को पैंट पहनाने लगती है क्योंकि उसने अंदर ही पेशाब किया था। तब कैरल का मानना है कि यह अब कुछ टैंडी के लिए ज्यादा ही सख्त सजा हो रही है। हालांकि सब लोग यह कहते हुए कैरल को समझाते हैं कि उसने उनके साथ जो किया है उसके लिए इतना काफी नहीं है। तब कैरल ने कहा कि वे उसके साथ एक जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तब फिलिप सबकी बातों पर गौर करते हुए कहता है कि उसे अब 5 हफ्ते तक एक रूम में काटने होंगे। तब टैंडी अपनी बात उनको समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अंत में जान लेता है कि उनका भरोसा हासिल करने के लिए उसे एक बंद कमरे में ही रहना होगा। कैरल को यकीन नहीं है कि सब लोग फिलिप की बातों से सहमत है, पर फिलिप बताता है कि वो अगर सच में बदलना चाहता है तो वो इसे साबित भी करे। जबकि अब टैंडी को एक रूम में रखा गया है, तब कैरल उसे मिलने आती है। तब कैरल उसके बारे में परेशान हो रही है। तब टैंडी बताता है कि वह जब चाहे इस रूम से बाहर निकल सकता है, लेकिन वह और कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहता जिसकी वजह से उसे और भी सजा मिले। वह बताता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वह अपने दोस्तों के साथ आराम से रह सकती है। बाद में मेलिसा और टॉड के साथ बात करते हुए कैरल पनीर खा रही है और दूर से उन सब लोगों को टैंडी देख रहा है, जबकि मेज पर रखा गया खाना वह देखना तब भी जारी रखता है जब रात हो जाती है, जिसके बाद वह चुपके से दरवाजा खोलता है और दबे पाव मेज की ओर बढ़ने लगता है, जबकि सामने ही मेलिसा तब बुक पढ़ रही होती है, पर टैंडी पनीर पर टूट पड़ता है। पर उसे यह भी याद आता है कि क्या उन सब लोगों का भरोसा हासिल करना पनीर को निगल जाने से कई गुना बेहतर है, जिसके बाद वह पनीर को वैसे ही बनाने की कोशिश करने लगता है और चुपके से वापस जाने लगता है, लेकिन वस्तु की आवाज होने से मेलिसा उसे पकड़ लेती है।
अगले दिन फिर से सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। सभी उसके किए गए कारनामे से निराश हैं, और अब टैंडी दूसरी सजा के साथ दिखाई देता है जिसमें उसकी गर्दन पर कॉलर बंधा हुआ है, और यदि वह एक तय की हुई जगह को छोड़ देता है तो उसकी गर्दन पर कॉलर उसे एक झटका देगा और उसे रोक देगा। जबकि टैंडी भी अपनी गलती को मानता है और इसके लिए वह परिणाम भुगतने को भी तैयार है। जबकि अब सब उसे वहां छोड़कर चले गए, पर कैरल वही है, तब उनके बीच एक छोटी सी बात होती है जहां वह उसे बताती है कि वह वास्तव में एक स्ट्रांग आदमी है। थोड़ी देर बाद एरिका आती है जबकि टैंडी उसे बात करने लगता है, पर वह उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। तभी गैल आती है और टैंडी उसकी खूबसूरती के बारे में बात करने लगता है, जबकि गैल आज भी कितनी कम उम्र की दिखाई देती है। वो दोनों की तारीफ करने लगता है और वो दोनों उसे मुंह बंद रखने के लिए कहती हैं। तभी वहां पर मेलिसा आती है और उसे एक न्यूज देती है कि उसकी पनिशमेंट और बढ़ गई है क्योंकि वह ज्यादा बात करता है। फिर एक बार टैंडी बाकी लोगों को इकट्ठा करता है और उनकी समस्या को नोटिस करने के बारे में बात करता है। जबकि वह बहुत ज्यादा बात कर रहा है तो वे एक उपाय भी लेकर आए हैं। यह अभी तक एक और कॉलर है जो आवाज को भांपती है, और वह बताते हैं कि हर बार जब वह बात करेगा तो कॉलर उसके नाक में एक दर्द करेगा, जबकि वह तेज झटके भी खाएगा। लेकिन उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वह ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद मेलिसा कुछ बियल आती है जिसे देखकर वह काफी खुश होता है, लेकिन वह जानबूझकर उसे उसके जगह से बाहर रखती है ताकि टैंडी बाहर आए और कॉलर से लगातार सताया जाए। और ऐसा करने के लिए वह मेलिसा को थैंक्स कहता है। बियर को देखते ही वह उसे पाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस तेज झटका लगता है। बाद में जब टैंडी बात नहीं कर सकता तो वह किसी को बुलाने के लिए पौधे के बर्तनों को फेंकना शुरू कर देता है ताकि वे उसे बियला सके। अंत में सब लोगों ने टूटे हुए बर्तनों को देखा और टैंडी पर वह गुस्सा हो गए, खासकर टॉड। लेकिन तब वह बात को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी इशारों की भाषा को समझ नहीं पाता है, और वे लोग अलग अलग फिल्मों के नामों को उसके इशारे के तौर पर बताने लगते हैं, जिससे टैंडी पागल होने लगता है। पर मेलिसा उसकी बात को समझती है और उनको बताती है कि वह इन कॉलर से परेशान हो गया है, जबकि उसे इसके बदले कोई और पनिशमेंट दी जाए। तब सब लोग इस बात से इनकार करने लगते हैं और फिलिप उसे डॉग हाउस में बंद कर देता है। बाद में रात में टैंडी देखता है कि घर में आग लगी है, तब वह मदद के लिए पुकारने की कोशिश करता है जिससे उसे भी तकलीफ होती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। तब वह जल्दी से डॉग हाउस से निकलकर मेज पर रखी बाल्टी को देखता है और तेज झटके खाते हुए और चिल्लाते हुए स्विमिंग पूल से पानी बाहर निकलता है, और तब तक पानी आग पर फेंकता है जब तक कि आग पूरी तरह से न बुझ जाए, जिसके बाद वह निराशा में अपने डॉग हाउस में वापस चला जाता है। सुबह सब लोगों को घर पर जलने के निशान दिखाई देते हैं, तब हर कोई इसके बारे में न जानने की बात करने लगता है। लेकिन फिलिप को इस बात पर शक होता है कि आग किसने बुझाई। तब टैंडी को लाया जाता है, तब उन्हें पता चला कि टैंडी ने घर में लगी आग को देखा था, और कैरल उसकी बातों को समझाने की कोशिश करने लगी है। जबकि सब लोग सो रहे थे तब उसने उन्हें बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई नहीं आया, तो वह खुद ही बाहर आया और तेज झटके खाते हुए उसने पूल से पानी निकालकर आग को बुझाया। पर टैंडी को लगता है कि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, जबकि हर कोई दया के साथ टैंडी को देखता है। और अब फिलिप टैंडी के गले से सारे कॉलर हटा देता है, जिस कारण टैंडी खुशी से झूम उठता है। जबकि सब लोग इस बात को मानते हुए चले जाते हैं कि वो अब सच में बदल चुका है, और टैंडी का कितने दिनों के बाद हंसता हुआ चेहरा देखकर हमारे सब्सक्राइबर भी आज काफी खुश है। और इसी के साथ यह दो एपिसोड खत्म होती है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।